वेरी 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग इंश्योरेंस क्लेम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे एंड फर्स्ट टू क्लासेस में हमने इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है और उस पढ़ाई का पहला पार्ट यानी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक वाला डिस्कशन हमने स्टार्ट कर दिया था। डन है ना? लास्ट क्लास हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाए थे जिसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड मैं चाहता हूं आज की क्लास में भी आपका परफॉर्मेंस वैसे ही अलग लेवल पर रहे। एक बार बिफोर आई स्टार्ट दिस क्लास, लास्ट क्लास जो पढ़ा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मेनली मैं कंसर्न्ड हूं जो मेरा लॉस ऑफ स्टॉक वाला पार्ट है उसका एक ब्रीफ रिवीजन मैं करवाना चाहता हूं ताकि हम लोग आज की क्लास में आगे बढ़ सके बहुत सिंपली और आज की क्लास में इस लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी को कंप्लीट कर सके। हमने स्टार्ट किया था लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में कि हमारा एक बिजनेस एंटिटी है, हमने हमारे स्टॉक को इंश्योर करवा रखा है बाय टेकिंग अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। हमारे बिजनेस प्रमाइसेस में एक दिन आग लग गई और स्टॉक जल गया। अब किस तरीके से हम लोग असर्टेन करेंगे कि कितना नुकसान हुआ हम लोगों को और उस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर हमें कितना क्लेम करना है इंश्योरेंस कंपनी से, ये हम लोग इस चैप्टर में या इस टॉपिक में सीखना चाहते हैं। हम लोगों को दो चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना है, एक नुकसान कितना हुआ और उस नुकसान के अगेंस्ट हम लोग क्लेम कितना मांगेंगे। हमने बोला ये टोटल जो आपको क्वेश्चन देगा ये स्टोरी फ्रेमिंग स्टोरी के रूप में देगा और वो स्टोरी हर क्वेश्चन में सेम रहेगी और हम लोग इस पूरे पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तीन स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप था हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहेंगे कि जिस दिन आग लगा जिस समय आग लगा हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक था। हमारे गोडाउन में जो स्टॉक था हम लोग उसका असर्टेनमेंट या कैलकुलेशन करना चाहेंगे। इसके लिए सबसे पहला एंड सिंपल तरीका है जो हमारे स्टॉक रिकॉर्ड्स है, स्टॉक रिकॉर्ड जो हम मेंटेन करते हैं, कितना स्टॉक आया, कितना इश्यू किया, हमारे पास कितना बचा हुआ होना चाहिए, हम लोग अपने स्टॉक रिकॉर्ड्स को चेक करके हम लोग ये निकाल सकते हैं कि उस दिन हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल था। बट अगर हमारे पास स्टॉक रिकॉर्ड्स अवेलेबल ना हो तो हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यूज करके हम लोग स्टॉक का कैलकुलेशन कर सकते हैं हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल था। यह करने के लिए हम लोग बनाएंगे एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, जिस साल आग लगा उस पीरियड का बिगिनिंग से लेकर टिल द डेट ऑफ फायर तक हम लोग ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। वहां पर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अवेलेबल है वो सारा पुट करेंगे। ठीक है, हमारा जो नॉर्मल जीपी मार्जिन है, एवरेज जीपी मार्जिन है, उस जीपी मार्जिन के हिसाब से हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ऑन दी सेल्स एंड जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो निकल जाएगा उस दिन हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक अवेलेबल था जिस समय आग लगी। और उस स्टॉक के वो स्टॉक कैलकुलेट करने के बाद हम लोग ये डिटरमाइन कर पाएंगे हमें कितना नुकसान हुआ। तो सबसे पहला स्टेप था हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ध्यान रखना क्वेश्चन में आपको जीपी परसेंटेज प्रोवाइड करेगा, अगर प्रोवाइड नहीं भी करेगा तो जीपी निकालने के लिए हो सकता है आपको वो लास्ट ईयर का डेटा दे दे। आपको अगर लास्ट ईयर का डेटा दे दिया जाए ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक का, तो उससे आप एक वर्किंग नोट में ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या मार्जिन कैलकुलेट कर लेना एंड उसको यूज करके आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लेना। ये स्टॉक क्या निकलना चाहिए, ये स्टॉक निकला उस दिन गोडाउन में कितना स्टॉक फिजिकली अवेलेबल था हम ये कैलकुलेट कर लिए। सेकंड स्टेप हमारा आता है कंप्यूटेशन ऑफ लॉस। जो हमारे पास स्टॉक था गोडाउन में प्लस एनी फायर फाइटिंग एक्सपेंस जो हमने इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर करवा रखे हैं माइनस सैलवेज वैल्यू ऑफ द स्टॉक। सैलवेज वैल्यू क्या होता है? जो आपका स्टॉक गोडाउन में था जब आग लगी स्टॉक खराब होगा, बट कुछ स्टॉक ऐसा हो सकता है जो डैमेज या डिफेक्टिव कंडीशन में आपके पास बच जाए जिसको बेचकर कुछ रियलाइज किया जा सके। ये जो स्टॉक होता है इसको हम लोग बोलते हैं सैलवेज वैल्यू ऑफ स्टॉक या सैलवेज स्टॉक। अगर सैलवेज स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम आपको जो देकर जा रहे हैं तो वो बोलेगा
बचा लॉस से आप ये सैलवेज स्टॉक का वैल्यू माइनस करो, जो बैलेंस बचा वो आपका नेट लॉस हो गया। बट अगर इंश्योरेंस कंपनी बोलता है नहीं हम आपको नहीं देंगे ये सैलवेज स्टॉक, हम लेके जाएंगे, तो हम पूरे के पूरे लॉस का, यानी जो हमारा स्टॉक टोटल लॉस हुआ प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, इस पूरे के पूरे लॉस का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। लॉस निकलने के बाद स्टेप थ्री था, हम लोग क्लेम का कंप्यूटेशन करेंगे। क्लेम का कंप्यूटेशन करते समय सबसे पहले आपको नंबर वन चेक करना है क्या इस पॉलिसी में एवरेज क्लॉज है या नहीं है। नॉर्मली आपको हमेशा बोलेगा पॉलिसी में एवरेज क्लॉज है। अगर पॉलिसी में एवरेज क्लॉज है ऐसा बोल दे या क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये अज्यूम करेंगे पॉलिसी में एवरेज क्लॉज है। फिर हमें चेक करना है स्टेप टू। स्टेप टू बताओ क्या है कि हमने अंडर इंश्योरेंस करवा रखा था कि हमारा स्टॉक फुल्ली इंश्योर्ड था। हम लोग चेक करेंगे हमारे पास उस दिन गोडाउन में स्टॉक कितना था। फिर हम चेक करेंगे हमने पॉलिसी में कितना इंश्योर करवा रखा था स्टॉक। अगर हमारा जो गोडाउन में स्टॉक था वो इंश्योर्ड वैल्यू के अंदर अंदर है तब हम बोलेंगे हमारा स्टॉक फुल्ली इंश्योर्ड था, पूरे लॉस का क्लेम मिल जाएगा, लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। बट अगर हमको लगता है कि हमारे पास स्टॉक ज्यादा था, लगता क्या हमने कैलकुलेट किया हमारे पास स्टॉक ज्यादा था और पॉलिसी हमने कम ले रखी है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि हम एवरेज क्लॉज अप्लाई करेंगे और आपको क्लेम प्रोपोर्शनेट मिलना चाहिए। प्रोपोर्शनेट कितना? प्रोपोर्शनेट जितना स्टॉक का प्रोपोर्शनेट वैल्यू आपने इंश्योर करवा रखा है उसी के हिसाब से आपको क्लेम भी मिलना चाहिए। फॉर्मूला होगा लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल स्टॉक वैल्यू जो उस दिन हमारे गोडाउन में अवेलेबल था, और इससे हमारा क्लेम निकल जाएगा और हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। तो तीन स्टेप मैंने सिखाया था, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस एंड कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम। एक वर्किंग नोट करना पड़ सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का कैलकुलेशन अगर क्वेश्चन ने ऑलरेडी जीपी मार्जिन प्रोवाइड नहीं किया है तो। यहां तक बात सबको क्लियर है बच्चे? आप लोग सब लिख रहे हो क्वेश्चन का आंसर करवाना, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर करवाना, वो सारा मैं कराऊंगा, हड़बड़ी मत करो। पहले जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनने की कोशिश करो, डन है ना? मेरे को पता है मेरे को क्या क्या करवाना है, आपको एक भी चीज आपका नहीं छूटेगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसके बाद क्वेश्चन किए हमने और फिर हम लोग कुछ स्पेशल इश्यूज डिस्कस करना चालू किए। स्पेशल इश्यूज एक्चुअली था क्या? स्पेशल इश्यूज था हमारे स्टॉक मूवमेंट को लेकर, स्टॉक मूवमेंट को लेकर। हम लोग जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जब परचेज और सेल्स दिखा के क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, हमारा एम रहेगा टू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक विच वॉज फिजिकली अवेलेबल इन द गोडाउन ऑन द डेट ऑफ फायर। और ये फिजिकल स्टॉक के लिए हमें कुछ बातों का या कुछ एडजस्टमेंट्स करते समय ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने सिंपली यही बोला था, दिमाग में रखना गोडाउन में वो स्टॉक था या नहीं, ये तुमको कैलकुलेट करना है, तो तुम्हारा सारा का सारा बुद्धि उसी पर चलेगा। तो कोई भी एडजस्टमेंट आएगा परचेज सेल से रिलेटेड, यू विल बी इजीली डूइंग इट। पहला हमने बात किया, एग्जांपल लिया, अगर मान लो हमने गुड्स सेल कर दिया या गुड्स परचेज किया, हमने एक सप्लायर से गुड्स परचेज किया, हमारे गोडाउन में फायर के डेट से पहले वो गुड्स आ भी गया था बट हमने अभी तक परचेज रिकॉर्ड नहीं किया, तो जो परचेज हम लोगों को ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में वो परचेज कंप्लीट परचेज नहीं है, टोटल परचेज नहीं है। हम लोग को उस परचेज में ये वाला परचेज भी ऐड करना होगा क्योंकि बिफोर द डेट ऑफ फायर हमारे यहां गुड्स आ चुके थे। अगर गुड्स आ चुके थे मैं परचेज में शो करूंगा तभी वो क्लोजिंग स्टॉक में रिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज वो क्लोजिंग स्टॉक में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। दूसरा, हमने गुड्स परचेज किया, इनवॉइस आ गया था तो हमने एंट्री भी कर ली, बट हमें टिल द डेट ऑफ फायर गुड्स रिसीव नहीं हुआ। गुड्स ट्रांजिट में था, आने में एक दो दिन लगेगा, तो गुड्स रिसीव नहीं हुआ था बट हमने परचेज की एंट्री ऑलरेडी कर रखी है। अब ये जो परचेज का अमाउंट है ये टोटल अमाउंट ऑफ परचेजेस है, बट इसमें कुछ गुड्स ऐसे है जो उस दिन गोडाउन में अवेलेबल ही नहीं थे। अगर वो गोडाउन में अवेलेबल नहीं थे तो हमको उसको परचेज से हटा देना चाहिए। जैसे ही मैं परचेज से उसको डिडक्ट करूंगा अपने आप मेरा क्लोजिंग स्टॉक से वो गुड्स निकल जाएगा और मेरा क्लोजिंग स्टॉक वही बचेगा जो उस दिन गोडाउन में फिजिकली अवेलेबल था। तीसरा एग्जांपल हमने क्या लिया था बताओ? तीसरा एग्जांपल हमने लिया था, हमने गुड सेल कर दिया, कस्टमर को सेल कर दिया, हमने रिकॉर्ड भी कर लिया एंट्री सेल्स का, बट अभी तक गुड्स डिस्पैच नहीं हुआ।
अगर हमने गुड्स सेल कर दिया, एंट्री कर लिया, बट गुड्स डिस्पैच नहीं हुआ, तो उस केस में हमें ध्यान रखना है कि वो गुड्स हमारे गोडाउन में ही पड़ा है, हमने सेल कर दिया बट क्योंकि गुड्स उसको दिया नहीं, उससे पहले गुड्स जल गया, तो एक्चुअल में सेल्स कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो हमने गुड्स को सेल्स में इंक्लूड कर रखा है, इसको सेल से हटाओ। जैसे ही सेल से हटाओगे आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ते ही वो गुड्स गोडाउन के अंदर फिजिकली अवेलेबल वाले गुड्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर आपने सेल कर दिया बट गुड्स डिस्पैच नहीं किया, आप उसको सेल से डिडक्ट कर देना, क्योंकि वो एक्चुअल में सेल्स हुआ नहीं, एक्चुअल में कस्टमर को गुड्स गया नहीं। नंबर फोर हम डिस्कस कर रहे थे, गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड। मैंने सेल कर दिया, डिस्पैच कर दिया, बट मैंने एंट्री नहीं की अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर हमने एंट्री नहीं की, मतलब जो सेल्स दिख रहा है वो सेल्स अधूरा है, हम सेल्स में ये वाला सेल्स भी ऐड कर देंगे। जैसे ही हम सेल्स में ऐड करेंगे, सेल्स बढ़ाएंगे, अपने आप क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, क्योंकि ये गुड्स हमारे गोडाउन से निकल चुका है, ये गुड्स हमारे पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है। तो हम यही छोटे छोटे एडजस्टमेंट सीख रहे थे। एडजस्टमेंट का फाइनल क्रक्स या फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए, हमें सिर्फ ध्यान रखना है, ये चेक करना है क्या वो गोडाउन में फिजिकली अवेलेबल था गुड्स या नहीं था। अगर था तो ध्यान रखना, नहीं था तो उसी तरीके से आपको उसका एडजस्टमेंट करना है। फिर हम डिस्कस कर रहे थे, अगर हमने कुछ गुड्स कंसाइनी को भेज दिए, बिफोर द डेट ऑफ फायर, अगर कुछ गुड्स हमने सेंड कर रखा है कंसाइनी को, ये जो गुड्स कंसाइनी को सेंड किया, ध्यान से सुनना, ये गुड्स हमारे गोडाउन से निकल चुका था बिफोर द डेट ऑफ फायर, यानी ये फिजिकली अवेलेबल नहीं था। आप चाहो तो इसको परचेज से लेस कर देना, चाहो तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना गुड्स सेंड टू कंसाइनी। जैसे ही तुम परचेज से लेस करोगे या क्रेडिट साइड में दिखाओगे, अपने आप क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा और वो क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा जो गुड्स आपके गोडाउन में फिजिकली अवेलेबल था ऑन द डेट ऑफ फायर। नेक्स्ट पढ़ रहे थे, अगर हमारे पास गुड्स आया है कंसाइनर से ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, जो हम एजेंट की तरह सेल करेंगे। बच्चों को एक डाउट था, सर ये तो हमारा गुड्स है ही नहीं, इसके ऊपर हमको इंश्योरेंस क्लेम क्यों मिलेगा। मैंने बात सिखाई थी इंश्योरेबल इंटरेस्ट की, इन गुड्स पर आपका इंटरेस्ट है क्योंकि यही बेचकर आप कमीशन कमाते हो, इसी बिजनेस से आपका घर चलता है और ये आपके बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट है, तो इस पर भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। तो मैंने बोला अगर हमारे पास गुड्स आया हुआ है बिफोर द डेट ऑफ फायर, हम उस गुड्स को या तो परचेज से ऐड कर लेंगे, ऐड नहीं करना चाहते हो तो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दो गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। जैसे ही डेबिट साइड में आप दिखाओगे गुड्स रिसीव्ड, आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा और उस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर वो गुड्स इंक्लूड हो जाएगा। और जाते जाते हम लोग लास्ट में पता है क्या पढ़ रहे थे, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बिफोर द डेट ऑफ फायर बट नॉट येट इंटीमेटेड या नॉट येट एक्सेप्टेड। मैंने कुछ माल अपने कस्टमर को भेजा है बिफोर द डेट ऑफ फायर, मान लो 1,00,000 रुपए का माल भेजा है, बिफोर द डेट ऑफ फायर उसने 40,000 एक्सेप्ट कर लिया, बट 60,000 का गुड्स अभी भी उसके पास बाकी है जिसका उसने इंटीमेशन नहीं दिया हुआ है। नॉर्मली हमने बचपन में सीखा था जब हम ये 1,00,000 रुपए का गुड्स भेजते हैं, हम सेल्स में एंट्री कर लेते हैं। सेल्स में एंट्री इसलिए करते हैं ताकि हमको याद रहे हमको सामने वाले पार्टी से या तो पैसा या गुड्स वापस लेना है, इसीलिए हमने सेल्स में इसको रिकॉर्ड कर दिया पूरा 1,00,000 रुपया। बट अभी तक वो अप्रूव सिर्फ 40,000 किया है, तो इसका एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक इन गोडाउन ऑन द डेट ऑफ फायर। पहला तरीका मैंने आपको सिखाया था, क्योंकि वो गुड्स सच में कस्टमर के पास है, कस्टमर को जा चुका है, अगर वो सेल्स में इंक्लूडेड है, सेल्स में पूरा 1,00,000 रुपए इंक्लूड रहने दो, तुम कुछ मत करो। अगर वो सेल्स में इंक्लूड रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक अपने आप कम हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा मतलब ये डिपिक्ट करेगा कि ये वो गुड्स है जो गोडाउन में अवेलेबल था, जो कस्टमर को दिया वो हमारे गोडाउन में अवेलेबल नहीं था। दूसरा तरीका, कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं सर 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 ये तो सेल्स हुआ नहीं ना, सर आपने गलत बोल दिया, अभी तक उसने अगर अप्रूव नहीं किया तो सर ये सेल्स नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, जो 60,000 का अप्रूव नहीं किया वो सेल से लेस कर दो, बट सेल से लेस करने के बाद ध्यान रखना जैसे ही सेल से लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो गुड्स तुम्हारे हैं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे ओनरशिप के गुड्स है। जैसे ही सेल से माइनस करोगे तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, बट तुमको ध्यान रखना है हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमारे गोडाउन में अवेलेबल था ऑन द डेट ऑफ फायर, और वो गुड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो मैंने बोला सेल से लेस कर देना,
देना साइमल्टेनियसली, क्रेडिट साइड में दिखा देना गुड्स विथ कस्टमर, गुड्स लाइंग विथ कस्टमर ऑन सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, और ये गुड्स का जो कॉस्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर देना। जैसे ही तुम अलग से गुड्स विथ कस्टमर शो करोगे, जो बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा वो गुड्स है जो गोडाउन में अवेलेबल था। कस्टमर वाला गुड्स अलग हो गया, गोडाउन वाला गुड्स अलग हो गया। हमको जो लॉस और क्लेम कैलकुलेट करना है वो सिर्फ गोडाउन के गुड्स पे होगा, कस्टमर के पास जो गुड्स है उस पर क्लेम कैलकुलेट नहीं होगा। ये करते करते हमारा क्लास कंप्लीट हो गया था। हमने कुछ इस पर सम्स नहीं बनाया था क्योंकि हमारा क्लास कंप्लीट हो गया। मैंने आपको दो सब होमवर्क दिए थे, मैं चाहूंगा दो सब मैं फटाफट डिस्कस कर लूं, फिर इसके क्वेश्चन बनाने से मैं आज की क्लास चालू करूंगा। सारे बच्चे मेरे साथ आ जाए बुक में, सारे बच्चे मेरे साथ बुक में आ जाए। मैंने होमवर्क दिया था आपको क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 13। आप देखो आपके बुक में ये टिक होना चाहिए, क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 13 आपको होमवर्क दिया था। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 11 में, मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 11 में। जो भी डाउट है मैं क्लियर करूंगा बच्चा लोग, कोई हड़बड़ी नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में सब लोग, एवरीवन क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाए फटाफट। मैं यही सॉल्व करूंगा क्योंकि होमवर्क का क्वेश्चन था, मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करके आपको आंसर निकाल के दूंगा। मैं फुल सॉल्व नहीं करूंगा, प्रेजेंटेशन वाला पार्ट आपको करना है, वो लास्ट क्लास आपको सिखाया था मैंने। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। ऑन 15 दिसंबर 2012 अ फायर ऑकर्ड इन दी, डेट ऑफ फायर आपको दे दिया 15 दिसंबर, हमेशा ये अंडरलाइन करना है आपको। इन दी प्रमाइसेस ऑफ मेजर्स ओम एक्सपोर्ट मोस्ट ऑफ दी स्टॉक वेयर डिस्ट्रॉयड, कॉस्ट ऑफ स्टॉक सैलवेज बींग 1,40,000, सैलवेज का वैल्यू दे दिया। फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वेयर अवेलेबल, स्टॉक एट द क्लोज ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 2012, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, मतलब इस साल का ओपनिंग स्टॉक। तो आपने जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा सबसे पहले आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक 940। मेरे हिसाब से आपने होमवर्क किया है, जो बच्चा होमवर्क नहीं करेगा मैं वापस बोल रहा हूं, इस उम्र में मैं आपके कान तो नहीं पकड़ सकता बट आपको ये जरूर बता सकता हूं अगर नहीं करोगे तो बाद में आपको दिक्कत होगी। प्लीज होमवर्क कीजिएगा टाइम टू टाइम। परचेज दिया हुआ उस पीरियड का 13,20,000, 13,20,000 का परचेज। सेल्स दिया हुआ 20,25,000। आगे ऑन द बेसिस ऑफ हिज अकाउंट फॉर पास्ट 3 ईयर्स इट अपीयर्स दैट एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 20%, 20% का जीपी मार्जिन है, आपको ऑलरेडी दे दिया है। तो 20,25,000 इंटू 20% ये निकल गया 4,05,000, ये मेरा जीपी निकल गया। अब जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 9,40,000, 13,20,405 - 20,25, ये निकल गया 6,40,000 का क्लोजिंग स्टॉक। कोई बच्चा ऐसा जिसका ये 640 नहीं आया, कोई बच्चा ऐसा जिसका ये 6,40,000 नहीं आया, प्लीज एक बार चेक करें, प्लीज एक बार चेक करें। अगर आपका आ गया तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में लॉस कैलकुलेट करूंगा। स्टॉक है 640 माइनस सैलवेज वैल्यू 140, तो लॉस हो गया 5 लाख। फिर मैं क्लेम कैलकुलेट करूंगा, एवरेज क्लॉज के लिए कुछ बोला नहीं, मैं बोलूंगा इंश्योरेंस पॉलिसी में एवरेज क्लॉज है, ये मेरा अजम्पशन रहेगा हमेशा, एवरेज क्लॉज है। मैं देख रहा हूं पॉलिसी ली है 4 लाख की, जबकि मेरे पास स्टॉक पड़ा था 6,40, तो अंडर इंश्योरेंस है, अंडर इंश्योरेंस है तो एवरेज क्लॉज लगेगा। मेरा क्लेम का अमाउंट होगा लॉस इंटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई स्टॉक वैल्यू, लॉस इंटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई स्टॉक वैल्यू, मेरा आंसर आ गया 3,12,500, 3,12,500। क्या सारे बच्चों का क्लेम का अमाउंट 3,12,500 आ गया, एक बार चेक कर लीजिए 3,12,500, वेरी गुड वंडरफुल। मैं होमवर्क ऐसे डिस्कस करूं तो आपको चलेगा, एक बार हां या ना बोल दो। ये होमवर्क डिस्कस करने का तरीका इसलिए मैंने रखा है क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट क्लास करवा दिए हैं। मैं अगर कोई ऐसा सम दूंगा जहां मैं आपको फंसाने की कोशिश करूंगा वो क्वेश्चन मैं पूरा आपको सॉल्व कराऊंगा, बट अगर ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे जो मेरे को लगता है बच्चा इजीली कर सकता है मैं ऐसे डिस्कस करके छोड़ूंगा। गुड क्लियर है,
क्लियर है, क्लियर है। चलिए 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। फिर कुछ बच्चों के डाउट्स थे, वो डाउट्स लूंगा मैं, आप चिंता ना करें, मैंने डाउट्स देख लिए हैं। अ फायर ऑकर्ड इन द प्रमाइसेस ऑफ अग्नि, वाह, ऑन 25th August 2011। अग्नि के यहां फायर लग गया, वेरी गुड। व्हेन अ लार्ज पार्ट ऑफ स्टॉक वॉज डिस्ट्रॉयड, सैलवेज आपको बता दिया 15,000। अग्नि गिव्स यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी टू अगस्त 25th। परचेज दे दिया, सेल्स दे दिया, गुड्स 5,000 का अग्नि अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया था। अगर ये गुड्स वो ले जा चुका है तो मैं परचेज से लेस कर दूंगा, परचेज कम हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक से अपने आप हट जाएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन 1st January 40,000, ये ओपनिंग, ओपनिंग, ओपनिंग। आगे, ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स अग्नि हैज बीन सेलिंग गुड्स एट अ कंसिस्टेंट जीपी मार्जिन ऑफ 33 1/3। ये 33 1/3 मार्जिन दिया है, मार्जिन, मार्जिन जब बोलेगा और कुछ नहीं बताएगा, तो मैं हमेशा बोला मार्जिन हम लोग सेल्स पर कंसीडर करते हैं, सेल्स पर, 1/3 है सेल्स पर। इंश्योरेंस पॉलिसी का वैल्यू 50,000, इट इंक्लूडेड एन एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज भी है। चलिए फटाफट बना देता हूं आपके लिए, ओपनिंग स्टॉक है 40,000, परचेज 85 - 5 = 80, फिर सेल्स है 90,000, 1/3 अगर जीपी है तो जीपी आ जाएगा 90,000 का 1/3, 30,000। अब मैं अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, डन। फिर मैं लॉस कैलकुलेट करूंगा, 60 - 15 = 45, और फाइनली मैं क्लेम कैलकुलेट करूंगा। मेरा पॉलिसी है 50 का, मैंने स्टॉक रख रखा है 60 का, मतलब स्टॉक अंडर इंश्योर्ड है, फुल्ली इंश्योर्ड नहीं है, अंडर इंश्योर्ड है, तो मेरे को लग जाएगा एवरेज क्लॉज, मेरे को लग जाएगा एवरेज क्लॉज। हो गया काम कंप्लीट, 45 × 50 / 60, 37,500। मेरे हिसाब से सारे बच्चों का ये आंसर आ गया होगा, सारे बच्चों का ये आंसर आ गया होगा, 37,500, वंडरफुल। होमवर्क सबको करने का है मेरे बच्चे, मैं होमवर्क आपको इसलिए देता हूं कि आप एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सको घर पे। सिर्फ मेरे साथ क्वेश्चन करने से आपको लगेगा हमेशा कि आप बना पाओगे, खुद से करने से समझ में आता है कहां हम लोग अटकेंगे और उसको कैसे हमें सॉल्व करना है, इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, डन। अब दो बच्चे के डाउट्स थे, मैं वो डाउट सॉल्व करना चाहूंगा। विनीत थैंक यू वापस लिखने के लिए, सुनिएगा। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टिल डेट ऑफ फायर वाले एडजस्टमेंट में, हम लोग सेल्स में एड, तो सेल्स में तो एड कर सकते हैं ना, डिडक्ट फ्रॉम परचेज करने वाला लॉजिक समझ नहीं आया। ओके विनीत, विनीत बोल रहा है सर अगर हमने गुड्स कंसाइनमेंट पे भेजा है, गुड्स कंसाइनमेंट पे भेजा है, तो हम लोग एक काम करेंगे ना सर, उसको सेल्स मान के सेल्स से ऐड कर देते हैं। सर सेल्स में अगर ऐड कर दोगे ना तो भी वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर नहीं आया क्योंकि वो माल बिक चुका है। अब मैं विनीत तेरे को दो बातें बोलता हूं, तुम उसके बाद बोलना सेल्स में ऐड करना सही है कि नहीं। नंबर वन, कंसाइनमेंट में भेजा हुआ माल इज नॉट इक्विवेलेंट टू सेल्स। आपने बचपन में कंसाइनमेंट चैप्टर पढ़ा था, आप जब कंसाइनी को माल भेजते हो उस समय सेल ओनरशिप ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होता है, उस समय सिर्फ आपने पोजेशन ट्रांसफर किया। जब कंसाइनी माल बेचेगा तब फाइनली उसका ओनरशिप ट्रांसफर होगा, तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर हुआ ही नहीं है तो आप सेल्स में एड कैसे कर सकते हो। अब आप मेरे ऊपर आओगे, सर सेल्स ऑन अप्रूवल में भी तो ऐसा ही था, आपने फिर उसको इग्नोर करना क्यों सिखाया। इसीलिए मैंने बोला जो बच्चे इग्नोर नहीं कर सकते वो ट्रीटमेंट नंबर टू फॉलो करके सेल से लेस कर देना। तो पहला बात मैं ये बोलूंगा, जो आपने लास्ट क्लास क्वेश्चन मेरे से किया था सेल्स ऑन अप्रूवल के टाइम, कंसाइनमेंट में जब मैंने गुड्स भेजा ना उस समय उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, आप उसको सेल्स बोल के नहीं दिखा सकते। नंबर वन, ये नंबर वन है। नंबर टू, कंसाइनमेंट में जो हमने गुड्स भेजा उसका आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस वाला अमाउंट आप सेल्स से ऐड करोगे तो सेल्स आपका बढ़ेगा। अब उस सेल्स पर जब जीपी निकालोगे पता है गलती हो जाएगा,
एक गलती हो जाएगा, ये माल तो कॉस्ट प्राइस पर ही गया हुआ है, और कॉस्ट प्राइस मतलब देर इज नो प्रॉफिट ऑन दिस पर्टिकुलर गुड्स। तो अगर आप पूरे सेल्स पर फिर जीपी कैलकुलेट करोगे, आपका जीपी गलत आ जाएगा और आपका क्लोजिंग स्टॉक रिजल्टेंटली गलत हो जाएगा। सर ऐसे कर देते ना, कॉस्ट के ऊपर जीपी एड करके सेलिंग प्राइस बना देते हैं और फिर सेलिंग प्राइस पे जीपी निकालते हैं, फिर तेरा आंसर वाइज आंसर सही हो जाएगा बट लॉजिकली आंसर गलत हो जाएगा। अगर बचपन में याद हो तुमको कंसाइनमेंट चैप्टर, हम लोग एक अकाउंट बनाते थे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो भी कंसाइनी को माल भेजते थे हम लोग एंट्री करते थे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और फाइनली जो टोटल गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है ना वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से लेस कर देते या क्रेडिट साइड में लिख देते थे। हम लोग टू परचेज या टू ट्रेडिंग अकाउंट बोल के उस अकाउंट को बैलेंस करते थे। हमने बोला हमने टोटल इतना माल खरीदा, इसमें से कुछ हमने कंसाइनी को बेचने के लिए दे दिया, ये हमने खुद से नहीं बेचा, तो हम लोग वो परचेज से लेस करते थे, हम लोग उसको कभी सेल्स में ऐड नहीं करते थे। तो प्लीज कंसाइनी को अगर कोई गुड्स आपने भेजा है उसको सेल में ऐड मत करना, परचेज से लेस करना चाहो कर देना, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में अलग से दिखाना चाहो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कर देना, मेरे को दोनों में दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है क्या विनीत? आपका डाउट मैंने समझाया आपको, अगर क्लियर है तो बताइए। प्रतीक का एक डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड। भैया मार्कअप ऑन कॉस्ट क्या होगा? मार्कअप इज नथिंग बट द परसेंटेज प्रॉफिट एडेड ऑन कॉस्ट, परसेंटेज प्रॉफिट एडेड ऑन कॉस्ट। अगर कभी आपको मार्कअप ऑन कॉस्ट दे दे, हम लोग जीपी निकालते समय सेल्स पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस मार्कअप ऑन कॉस्ट को हम लोग सेल्स वाला मार्जिन में कन्वर्ट कर देंगे। 1/3 ऑन कॉस्ट इज 1/4 ऑन सेल्स, एंड उसको कन्वर्ट करने के बाद फिर सेल्स पर जीपी कैलकुलेट करेंगे। वो मार्कअप ऑन कॉस्ट दिया है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट नहीं चाहिए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स चाहिए, तो हम उसको कन्वर्ट करके यूज कर लेंगे। ठीक है, प्रतीक का एक क्वेश्चन था, साक्षी बोल रही है सर इस क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको साक्षी दिया ही नहीं था, आप अगर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बोल रहे हो सर, जो वो गुड्स ले गया पर्सनल यूज के लिए उसको परचेज से लेस ना करके क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं क्या? कर सकते हो, बट जो बचपन में आपने किया है हमेशा परचेज से फ्री सैंपल लेस करना, ड्राइंग्स लेस करना, क्यों उसको चेंज कर रहे हो? आंसर बिल्कुल सेम आएगा आपका, आंसर में चेंज नहीं होगा, बट जो एक तरीका सीखा हुआ है उसी तरीके को फॉलो करो कि ये परचेजेस में कुछ माल ऐसा है जो हमने बेचा नहीं है, जो हमने दे दिया है किसी को, तो वो मैं वहां से ही डिडक्ट करके दिखा रहा हूं। उसका लॉजिक मैंने फाइनल अकाउंट चैप्टर में बचपन में समझाया था, ये वो गुड्स है जो बिके नहीं है, जो और किसी काम के लिए यूज हो गए, तो इनको हटा दो क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है ये गुड्स बिका नहीं है, बिका नहीं है तो ये परचेज में आना भी नहीं चाहिए, तो आपको परचेज से लेस करके दिखाना चाहिए। अब मेरा बात सुनना, प्रतीक का क्वेश्चन नंबर 5 में एक डाउट है, मैं उस डाउट को एक बार चेक करके उसके बाद आगे बढ़ूंगा। प्रतीक का डाउट क्या था सर? क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एडजस्टमेंट है, हाँ ठीक है, उसको हमने सेल्स वैल्यू से डिडक्ट किया, जिसका मतलब हुआ कि वो सेल वैल्यू पे ही क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा, तो उसका भी जीपी हटाना होगा। ध्यान से, हमने जब उसको सेल से हटाई दिया, समझो बात को, जब सेल्स से हटाई दिया और उसका जीपी अलग से कैलकुलेट ही नहीं किया, मैंने जीपी कम सेल्स पर कैलकुलेट किया है, मतलब वो जो गुड्स हमने सेल किया है ना परचेज में, तो वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। परचेज में किस वैल्यू पे इंक्लूडेड है? परचेज में किस वैल्यू पे इंक्लूडेड है? कॉस्ट पर। मैंने सेल्स से भी हटा दिया, सेल्स से हटा दिया मतलब जीपी में मैंने उसका इफेक्ट नहीं लिया, परचेज में कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मैंने सेल्स से हटा दिया तो जीपी भी अपने आप कम हो गया, तो जब मैंने उसको सेल से हटाकर हटा दिया तो अब ये वैल्यू का, अब इस गुड्स का क्या वैल्यू बचा? सिर्फ कॉस्ट बचा, जो कहां इंक्लूडेड है? परचेज में इंक्लूडेड है, क्योंकि परचेज के अंदर कॉस्ट इंक्लूडेड है, जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा? वो भी क्या आएगा? कॉस्ट पर ही आएगा।
क्योंकि ये 80,000 सेलिंग प्राइस का बात कर रहा है, हमने इसको सेल से लेस किया। ये गुड्स मैंने परचेज किया तो परचेज में भी इंक्लूड होगा कॉस्ट पर, सेल से हटाया, सेल से हटाया तो जीपी भी कम हो गया अपने आप, मतलब इस गुड्स का हमने सेल से हटाते इसका जीपी का इफेक्ट भी खत्म हो गया। अब ये गुड्स सिर्फ इंक्लूडेड है परचेज में, और परचेज में हम लोग इंक्लूड करते हैं कॉस्ट, तो जो क्लोजिंग स्टॉक में भी इफेक्ट आएगा ना वो कॉस्ट का इफेक्ट आएगा, वो सेलिंग प्राइस या जीपी का इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है क्या प्रतीक? क्लियर है क्या प्रतीक? अगर क्लियर है तो मैं सेल्स और अप्रूवल वाले पार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको कराना चाहूंगा, क्वेश्चन 7। मैं सेल्स और अप्रूवल वाले पार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको कराना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 7। सारे बच्चे प्लीज क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएं। आप खुद ट्राई करना चाहेंगे या मैं ट्राई करूं, आप बता दो। अगर आप बोलोगे सर 5 मिनट दो हम खुद ट्राई करेंगे, मैं आपको 5 मिनट दे दूंगा। अगर आप बोलेंगे नहीं सर आप करवाइए, सर पहला क्वेश्चन हम देखना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ कर सकता हूं। मेरे हिसाब से आपको खुद ट्राई करना चाहिए, फिर मैं जब चीजों को प्लेस करूं तो आपको क्लियर हो, ओके मैंने ये सब राइट किया, मेरा ये लॉजिक गलत हो गया। खुशी बोल रही है कर लिए, वेरी गुड खुशी, तो आपको वेट करना होगा दीदी। खुद करेंगे, चलिए मैं 5 मिनट का समय देता हूं आपको, 5 मिनट्स का समय देता हूं, खुद से ट्राई करो। यही यही जो आदत है ना खुद से ट्राई करने का, ट्रस्ट मी द डे द चैप्टर एंड्स यू विल फील ये चैप्टर दिमाग में बस चुका है, हमको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच खुद से ट्राई करने के लिए, ट्राई कीजिए खुद से। पेनड्राइव वाले बच्चे भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, खुद से ट्राई करेंगे, कीजिए ट्राई। हाँ खुशी, आप दोनों तरीके से बना के ट्राई कर सकते हो। दूसरा वाला तरीका, एक शॉर्ट में बना लो ट्रेडिंग अकाउंट, छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना के ट्राई करो, वही क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है कि नहीं आ रहा।
चलिए गुड, आंसर आना शुरू हो गया। क्लेम का अमाउंट 48211। हर्ष का क्वेश्चन है, भैया अगर आईसीआई वाला मेथड से नहीं करेंगे तो क्या थोड़ा भी मार्क्स कटने का पॉसिबिलिटी है? अगर एग्जामिनर पत्थर की लकीर वाला चेकर है, जो सजेस्टेड आंसर में है वही होना चाहिए, हो सकता है कुछ मार्क्स कट जाए। बट अगर एग्जामिनर रैशनल है एंड वो देख रहा है लॉजिक के हिसाब से और फाइनल आंसर के हिसाब से, तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि डर है कट जाएगा नहीं कट जाएगा, आप हमेशा प्रैक्टिस वैसे ही करो जैसे आपको फाइनली करना है, यानी आप सेल से लेस करके क्रेडिट साइड में गुड्स विद कस्टमर अलग से कॉस्ट पर दिखा दो, वो कर सकते हो आप। डन। चलिए मैं आप क्वेश्चन पढ़ता हूं और आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। आप लोगों ने कर ही दिया है, मेरी जरूरत ही नहीं है, बट मैं आपके साथ पढ़ के आपको क्वेश्चन में हेल्प करता हूं। ऑन 30th मार्च 2012 फायर ऑकर्ड इन द प्रमाइसेस ऑफ मेजर सूरज ब्रदर्स। द कंसर्न हैड टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹60,000 व्हिच वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज है पॉलिसी में। आगे, From the books of accounts, the following particulars are available relating to the period 1st January to 30 March. आपको साल से शुरू से लेकर 30 मार्च तक का डिटेल दिया है। स्टॉक एज पर बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2011 95,600 ओपनिंग स्टॉक। परचेज इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मशीनरी, इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मशीनरी, हम लोग तो गुड्स का कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये मशीनरी का हटाना पड़ेगा, 170। वेजेस इंक्लूडिंग वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन, ये भी हटाना पड़ेगा, ये हमारे गुड्स का बनाने का खर्चा नहीं है, मशीनरी को इंस्टॉल करने का खर्चा है, हटा देंगे। सेल्स इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल अमाउंटिंग टू 49,500 ₹2,75,000। इस 275 के अंदर जो गुड्स भेजा अप्रूवल में वो भी इंक्लूडेड है। नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। 1/3 अप्रूव हो गया, अभी तक 2/3 के बारे में सामने वाले ने कुछ नहीं बताया है। हम लोगों को जो ध्यान देना है इस 2/3 पे देना है, जो बैलेंस 1/3 अप्रूव हो चुका है उसके बारे में सोचने का जरूरत नहीं है। एवरेज जीपी दे दिया 20%, सैलवेज का वैल्यू दे दिया 12,300, बोल रहा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम, हम लोगों को क्लेम का अमाउंट कंप्यूट करना है। डन, वेरी सिंपल। चलिए ना मैं आपके लिए यही सॉल्व कर देता हूं, यही सॉल्व या लिख के सॉल्व कर देता हूं, ताकि कोई बच्चा अगर प्रेजेंटेशन को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम में रहता है तो वो इजीली कर ले। बुक नंबर 1 पेज नंबर सॉरी बुक नंबर 1 पेज नंबर 19 क्वेश्चन 7 हमको बनाना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलेगा? सर उस दिन गोडाउन में हमारे पास कितना स्टॉक था फॉर द पीरियड, कहां से शुरू होगा पीरियड? 1st January 2012 से लेकर 30th March 2012 टिल द डेट ऑफ फायर। डन, आगे चलता हूं। आप फॉर्मेट बना लेना पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट टू ओपनिंग स्टॉक, कितना स्टॉक था रे? मैं बुक खोल लेता हूं अपने सामने ताकि मेरे को बार बार चेंज ना करना पड़े। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7। ओपनिंग स्टॉक था 95,600। टू परचेजेस, परचेजेस में कुछ गलती था, क्या गलती था? मशीनरी का भी परचेज इंक्लूडेड है, लेस मशीनरी परचेस्ड 30,000, ये हो गया 140। टू वेजेस, वेजेस 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 कितना है रे बच्चा? वेजेस दिया हुआ है 50,000, जिसमें मशीनरी का इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है, लेस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 3,000, ये हो गया 47। डन। इसके बाद मेरे को दिया हुआ है बाय सेल्स, सेल्स का टोटल वैल्यू 275। अब मुझे सेल्स ऑन अप्रूवल का एडजस्टमेंट करना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर 2/3 ऑफ द गुड्स अभी तक अप्रूव नहीं हुआ तो हमें वो सेल्स दिखाने का अधिकार नहीं है। लेस गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल
पेंडिंग इंटीमेशन, पेंडिंग इंटीमेशन जिसका अभी तक इंटीमेशन आना बाकी है 49,500 का टू थर्ड, 49,500 का टू थर्ड हमने इसको सेल से हटा दिया 33,000, तो मेरा करेक्ट सेल्स क्या हो गया 275 माइनस 33, 242। अगर मैं सिर्फ सेल से हटा के छोड़ दूं तो पता है क्या प्रॉब्लम होगा, सेल्स कम हो गया, सेल्स कम होते ही जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अपने आप बढ़ जाएगा, बट ये क्लोजिंग स्टॉक हमको निकालना है जो मेरे गोडाउन में था जबकि ये गुड्स मेरे गोडाउन में नहीं था। तो मेरे को एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो गुड्स कस्टमर के पास है मैं उसको यहां सेपरेटली शो करूं ताकि वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड ना हो जाए। गुड्स विद कस्टमर कितना शो करूंगा, ये हमेशा कॉस्ट के ऊपर, गुड्स का सेलिंग प्राइस है 33,000, प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स, तो अगर इससे माइनस 20% कर दूं प्रॉफिट, सेल से प्रॉफिट अगर माइनस कर दूं तो मेरा निकल जाएगा, बताओ क्या, सेल से प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मेरा निकल जाएगा गुड्स का कॉस्ट। अब तुम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करना या मैं दो मिनट बाद समझाता हूं, ठीक है। अब ये जो गुड्स मैंने सेल किया इसके ऊपर मैंने प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट तो इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, 242,000 का 20% 48,400। अब मेरा फाइनली निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और ये क्लोजिंग स्टॉक वो है जो मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, जो मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है 95,600 प्लस 140 प्लस 47 प्लस 48,400 माइनस 242 माइनस 26,400 62,600। क्या सारे बच्चों का क्लोजिंग स्टॉक यही आया? अब देख कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले सबका ये आ जाना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने पूरे साल भर में इतना कॉस्ट का गुड्स बनाया, ये बनाया या परचेज किया जो बोलो, मेरे लिए दोनों सेम है। अगर ये गुड्स का कॉस्ट टोटल करना चाहते हो प्लीज कर लो, टोटल कर लो एक बार, टोटल मैंने कितना कॉस्ट का गुड्स बनाया या परचेज किया। सर हमने बनाया या परचेज किया 282,000 का गुड्स, 282,600 का गुड्स। उसमें से मैंने सेल कर दिया। अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करूं, मैंने सेल कर दिया 242 माइनस 48,400, 193,600, ये मैंने सेल कर दिया। जो मैंने सेल कर दिया वो तो मेरे गोडाउन में हो नहीं सकता, ये खत्म हो गया बात। कुछ गुड्स मेरे कस्टमर के पास है, कितना गुड्स मेरे कस्टमर के पास है, 26,400 का गुड्स का मेरे कस्टमर के पास है, ये भी मेरे गोडाउन में नहीं था, कस्टमर के पास था। अब जो बचा ना मेरे बच्चे, वो गुड्स मेरे गोडाउन पे अवेलेबल है। अगर इन तीनों को माइनस करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 62,600। हमने ये गुड्स विद कस्टमर अलग क्यों किया पता है? जो हमारे पास इस तीन महीने में टोटल, तीन महीने छह महीने जो भी पीरियड है, जो टोटल गुड्स आया उसका तीन चीज हुआ, कुछ हमने बेच दिया, कुछ अभी भी कस्टमर के पास पड़ा है, बैलेंस जो बचा गुड्स वो मेरे गोडाउन में था जिस दिन आग लगा, इसीलिए मेरे को इसको अलग से क्रेडिट करके लिखना पड़ता है कि टोटल गुड्स में बेचा कितना, कस्टमर के पास कितना पड़ा है और हमारे पास उस दिन कितना था जिसमें आग लग गई, इसी के ऊपर हमको लॉस या क्लेम कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब मैं फाउंडेशन में सिखाता था पता है मैं क्या करता था, मैं बोलता था तुम चाहो तो इन दोनों को ऐड करके लिख दो, इन दोनों को ऐड करके लिख दो, वो भी क्लोजिंग स्टॉक का ही पार्ट है जो कस्टमर के पास पड़ा है। अभी मैं ऐड इसलिए नहीं करने बोल रहा हूं, अभी मैं अलग अलग इसलिए करने बोल रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए स्पेसिफिकली जो गुड्स गोडाउन में अवेलेबल था उसके लिए मेरे को गुड्स विद कस्टमर को अलग से लिखाना पड़ रहा है, और जो बैलेंसिंग फिगर आया वो क्या निकल गया, क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे कहां अवेलेबल था, गोडाउन में अवेलेबल था। क्या सारे बच्चों को यह लॉजिक क्लियर है? यह था ट्रीटमेंट नंबर टू जो मैंने लास्ट क्लास सिखाया था, सेल से लेस करके गुड्स को अलग से लिख दो। जब अलग से लिखोगे कॉस्ट पर लिखना, उसको सेलिंग प्राइस पे मत लिखना। श्वेतम से शायद वही गलती हुआ होगा, इसीलिए श्वेतम का आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा था।
नहीं तो कुछ और भी गलती हो सकता है। अब दूसरा तरीका, ध्यान से सुन, ध्यान से, दूसरा तरीका मैंने बोला इसको इग्नोर कर दो। इग्नोर करने से मेरा मतलब था ये कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये करने का जरूरत नहीं है, ये करने का जरूरत नहीं है, ये करने का जरूरत नहीं है। आप मान लो पूरा 275 सेल्स हो गया, जैसे ही मैंने बोला 275 सेल्स, मेरा मतलब ये गुड्स हमारे पास नहीं है, कस्टमर के पास जा चुके हैं। अप्रूवल वाला भी तो गुड्स कस्टमर के पास ही है। अगर 275 सेल्स दिखाओगे तो तुम्हारा जीपी पता है कितना आ जाएगा? जीपी जीपी तुम्हारा जीपी आ जाएगा 55,000, जीपी निकल जाएगा 55,000। अब अगर तुम कैलकुलेट करोगे ना तो भी तुम देखोगे 62,600 ही आंसर आएगा। देखो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, 95,600 प्लस 1,40,000 प्लस 47,000 प्लस 55,000 माइनस 2,75,000 माइनस 2,75,000, मेरा आंसर आ रहा है 62,600। जो अभी हमने निकाला उस केस में भी वही सेम आंसर आ रहा है। इसीलिए मैंने बोला था पहला ट्रीटमेंट इग्नोर कर दो, भूल जाओ, मान लो सेल्स हो गया क्योंकि वो गुड्स हमारे पास ऐसे भी नहीं है। बट अगर कोई बच्चे को लगता है सर फिर इस केस में तो सर ग्रॉस प्रॉफिट तो गलत आ गया ना सर, इतना तो हमने कमाया ही नहीं है, मैं वापस बोलूंगा ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है, यहां पर मेरे को लोगों को कमाई नहीं दिखानी है, यहां से मेरे को सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कंप्यूट करना है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको दूसरा वाला एंगल समझ में नहीं आया, वो पहला वाला एंगल से भी सम सॉल्व करेगा, उसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ट्वेंटी सिक्स फोर हंड्रेड वाला बिल्कुल समझ में नहीं आया, झिलमिल सुनिए बात। ये जो गुड्स मैंने बोला कस्टमर के पास पड़ा है, एक सेकेंड, ये जो मैंने बोला 30,000 का गुड्स, 30,000 का, 33,000 का गुड्स कस्टमर के पास पड़ा है, 33,000 का, ये 33,000 गुड्स का सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। मैंने इसको सेल से इसलिए हटाया क्योंकि आपने बोला सर अभी तक अप्रूवल नहीं आया है, अप्रूवल नहीं आया है तो सेल्स हुआ नहीं है, सेल्स हुआ नहीं है आपने सेल्स में इंक्लूड कर दिया तो आपको हटाना पड़ेगा, मैंने 33,000 हटा दिया। ये हटाने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी क्या? ये हटा दिया, जैसे ही सेल से हटाऊंगा अगर अभी क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ के निकल जाएगा। ये जो क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा ना मेरे बच्चे, ये क्लोजिंग स्टॉक में दो चीज होगा, कुछ गुड जो हमारे पास गोडाउन में है, कुछ गुड जो किसके पास है, कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। बट मुझे अभी चाहिए सिर्फ वो गुड जो मेरे पास गोडाउन में अवेलेबल है, क्योंकि जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है उसमें आग लगी ही नहीं। अब जो गुड्स कस्टमर के पास पड़ा हुआ है उसको मेरे को निकाल के अलग करना है, उसके लिए मैंने यहां लिखा गुड्स लाइंग विद कस्टमर। पहले यह समझ में आना चाहिए आपको, अगर यह समझ में आ गया तो मेरा दूसरा बात आप समझेंगे। अगर मैंने इसको सेल से हटा दिया तो अब ये गुड्स सिर्फ कहां इंक्लूडेड है? परचेज में इंक्लूडेड है। जब मैंने इनको खरीदा होगा तब ये परचेज में इंक्लूडेड है, मेरे को बताना परचेज में ये किस वैल्यू पर इंक्लूडेड होंगे? परचेज तो कॉस्ट पर कैलकुलेट होता है, तो वहां पर तो इन गुड्स का कॉस्ट रिकॉर्डेड है। अगर मैं यहां से इसको हटाना चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये गुड्स कस्टमर के पास है, मेरे पास गोडाउन में नहीं था, इनको हटाओ, तो जब मैं हटाऊंगा ना मैं कॉस्ट प्राइस पर हटाऊंगा, मैं सेलिंग प्राइस पर नहीं हटाऊंगा। सेलिंग प्राइस था 33,000। अब सर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में कैसे आए? सेलिंग प्राइस से अगर कॉस्ट प्राइस में आना है तो सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट माइनस कर दो, आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस 33,000, प्रॉफिट बोल रहा है 20% ऑन सेल्स, तो इसका 20% प्रॉफिट 6,600, तो आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 26,400। ये वो गुड्स है जो मेरा है बट मेरे पास गोडाउन में नहीं था, आग लगते समय मेरे पास नहीं था, ये गुड्स किसके पास था? कस्टमर के पास था। अब क्लियर है क्या झिलमिल? ओके, खुशी, दोनों मेथड से क्लोजिंग स्टॉक है बट सेकंड केस में मेरा, मेरे को वर्किंग शो करना पड़ेगा। करेक्ट, सेकंड केस में आपको ये जो सेकंड ट्रीटमेंट जो हमने किया उसमें वर्किंग आपको करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एंट्री करना है या अलग से भी कैलकुलेशन शो करना है? अलग से कैलकुलेशन शो नहीं करना, आप वो यहां पर लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है, मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, आप यहां पर लिख सकते हो। ये जो मैंने प्रेजेंट किया है ना, ये प्रेजेंटेशन इज एनफ, इसके लिए कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। डन, अब चलो आगे चलते हैं, इतने दूर तो हम पहुंच गए।
लॉस कैलकुलेट करते हैं, लॉस। वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना था उस दिन मेरे पास, वैल्यू ऑफ स्टॉक 62,600 लेस सैलवेज, सैलवेज 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 वैल्यू बताइए कितना था, 12,300। तो लॉस हो गया 50,300, लॉस हो गया 50,300। अब क्लेम निकालना है, क्लेम पॉलिसी वैल्यू कितने का लिया हुआ है, पॉलिसी वैल्यू 60,000 का, मेरे पास स्टॉक है 62,600 का। सिंस पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन स्टॉक वैल्यू जो मेरे पास अवेलेबल है, स्टॉक इज अंडर इंश्योर्ड एंड सो एवरेज क्लॉज विल बी एप्लीकेबल, एंड सो एवरेज क्लॉज विल बी एप्लीकेबल। Therefore, claim equals to, formula बोल, loss into policy value divided by stock value. Loss into policy value divided by stock value. 48211 जो आपका आंसर था और जो बिल्कुल करेक्ट है, वेरी 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 गुड। हाँ हर्ष, ब्रैकेट में वर्किंग दिखाने से चलेगा, कैलकुलेशन रिलेटेड वर्किंग जो शॉर्ट कैलकुलेशन है वो आप ब्रैकेट में दिखा सकते हो। अगर कोई कैलकुलेशन ऐसा है जो थॉरो वर्किंग मांगता है जिसमें दो तीन चीज ऐड माइनस करना है, वो आपको हमेशा वर्किंग में करना चाहिए। ऐसा शॉर्ट कैलकुलेशन आप हमेशा क्वेश्चन के पास दिखा सकते हो। पहले बताइए सारे बच्चों को क्लियर है क्या, आपने खुद ही से सही कर लिया था, क्लियर तो आपको हो ही गया होगा। अगर क्लियर है तो क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, सारे बच्चे फटाफट फटाफट मुझे बताओ क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं डिस्कशन में। फटाफट फटाफट कुछ चीजें मैं बोल रहा हूं सुन लो। आज की क्लास का दो क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा जो मैं पहले ही दे देता हूं। क्वेश्चन 14 आपका होमवर्क रहेगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मैं थोड़ा थोड़ा करके होमवर्क दे रहा हूं इनिशियली ताकि आप घर पे सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज कर सको। क्वेश्चन 12 और 14 आपका होमवर्क है, 12 और 14 प्लीज मार्क कर लो, 12 और 14 आपका होमवर्क रहेगा आज का, जो अभी तक पढ़ा उसी के अंदर से है ये भी। क्वेश्चन 12 और 14 आपका होमवर्क रहेगा, 12 एंड 14 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बनाएंगे एक बार में आपसे बन जाएगा। चलिए मैं अब डिस्कशन चालू करता हूं जहां पे मैंने कल कंप्लीट किया था वहां से। कल हम लोग स्पेशल एडजस्टमेंट्स के बारे में सीख रहे थे और हमने टोटल 7 एडजस्टमेंट्स पढ़ लिए थे। एक बार कॉपी चेक करें और बताओ 7 एडजस्टमेंट्स हमने कल कर लिया था, 7 एडजस्टमेंट्स कल हमने कर लिया था, हां या ना बोल दीजिए खाली। तो हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे आज। आप समझो ये स्टॉक पॉलिसी का लास्ट डिस्कशन है, इसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी आज कंप्लीट हो जाएगा डिस्कशन वाइज। सम्स हम लोग का जो बचेगा हम लोग बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 8 लिखेंगे, हेडिंग दे सारे बच्चे मेरे साथ और इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम में जब भी ये लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी से क्वेश्चन आता है ना,
80% चांस है कि आपको एडजस्टमेंट नंबर 8 उस क्वेश्चन में दिखाई दे। अभी तक जो क्वेश्चन हमने किया वो बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल 5 मार्क टाइप का सम था, फटाफट फटाफट बनाओ और फुल 5 out of 5 मिलेगा। अब ये जो पॉइंट 8 डिस्कस करने जा रहा हूं, ये आपके लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी वाले क्वेश्चन को 5 की जगह 10 मार्क्स का बना देगा। मतलब ये एडजस्टमेंट आते ही सीधा क्वेश्चन का जो क्या बोलो इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत बढ़ जाएगा। एडजस्टमेंट का हेडिंग लिखें, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेक्टिव ऑब्लिक एबनॉर्मल ऑब्लिक स्लो मूविंग गुड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेक्टिव एबनॉर्मल या स्लो मूविंग गुड्स। आज मैं सिर्फ एक ही पॉइंट डिस्कस करूंगा, इसके बाद मैं कोई नया पॉइंट नहीं छेड़ूंगा। बस यही पॉइंट मैं अगर तुम्हारे दिल में उतार दूं तो मेरा आज का क्लास बिल्कुल सफल हो जाएगा और लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का 10 मार्क्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। बोलना चालू करूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत अच्छे से मेरी बात सुनना। यह टॉपिक एग्जाम वाइज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भला ही लिख लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सुनना, हमारे पास जो गोडाउन में स्टॉक है, स्टॉक ये स्टॉक अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उन सारे क्वेश्चन में हमने गुड्स को जो हमारे पास गुड्स थे वो सारे गुड्स को नॉर्मल गुड्स माना। नॉर्मल गुड्स का मतलब है ये गुड्स बिल्कुल बिल्कुल रेलिवेंट गुड्स है, प्रेजेंट गुड्स है। इनको अगर मार्केट में बेचने जाए तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ना, डिजायर्ड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेल्स, 25% ऑन सेल्स, ये हम इस पे इजीली कमाते हैं। हमने इनमें से जो गुड्स सेल किया है ना ड्यूरिंग द पीरियड, उन गुड्स पे हमने एक यूनिफॉर्म रेट पे ऑन एन एवरेज यूनिफॉर्म रेट पे 20% 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स जो हमारा एवरेज मार्जिन है वो अर्न किया है। बट मान लो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा गुड्स दे या क्वेश्चन आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे कि जो हमारे पास गुड्स अवेलेबल है जो हमने गुड्स परचेज किया सेल किया उसके अंदर अगर कुछ डिफेक्टिव गुड्स हो, उसके अंदर अगर कुछ स्लो मूविंग आइटम्स हो, उसके अंदर कुछ अगर एबनॉर्मल गुड्स हो और ये स्लो मूविंग आइटम डिफेक्टिव आइटम एबनॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिनको जब हमने बेचा होगा ये कभी भी सेम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लाकर नहीं दे सकते जो हमारे नॉर्मल गुड्स हमें अर्न करके देते हैं। मान लो मैं रेडीमेड गारमेंट्स का विक्रेता हूं, रेडीमेड गारमेंट्स का डीलर हूं, ठीक है। अब मेरे पास कुछ पुराने गारमेंट्स का स्टॉक पड़ा हुआ है, ये है तो मेरे लिए स्टॉक ही, अगर जलेगा तो इसमें भी मेरे को दुख होगा क्योंकि इसके लिए भी तो मैंने इनिशियली कॉस्ट इनकर किया था, तो जलेगा तो दुख होगा। बट मैं जानता हूं ये गुड्स ऐसे गुड्स थे जो अगर अभी बेचने निकलता तो हो सकता है जो बेच के प्रॉफिट आता वो बहुत कम होता नॉर्मल गुड्स से, या फिर हो सकता है कि इनको हमें लॉस पर भी बेचकर खत्म करना होता। ये जो स्लो मूविंग आइटम्स हुए, डिफेक्टिव आइटम्स हुए, एबनॉर्मल आइटम्स हुए, ये ऐसे आइटम्स है जो जब सेल होंगे ना सेल, तो ये नॉर्मल जीपी मार्जिन में नहीं सेल हो पाएंगे। इनको जब हम सेल करेंगे दिस कैन नॉट यील्ड नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो हमारे दूसरे गुड्स हमें अर्न करके दे रहे हैं। सर अगर ये यील्ड नहीं कर सकते ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो सर प्रॉब्लम क्या है? सर आपने तो बोला हमें कॉस्ट के हिसाब से क्लेम लेना है, बिल्कुल सही। प्रॉब्लम मेरे को वो कॉस्ट के हिसाब से क्लेम लेने में सिर्फ नहीं है, प्रॉब्लम मेरा ये है अगर मान लो इन गुड्स में भी साल भर में, मान लो मेरा ईयर स्टार्ट हुआ 1 जनवरी से, आग लगा 30 मार्च 2020 को, ठीक है। इस बीच में हमने कुछ गुड सेल किया, परचेज किया एक्सेट्रा, अगर मानो जो गुड हमने सेल किया उसमें से कुछ ये डिफेक्टिव गुड्स भी सेल हुआ था, डिफेक्टिव गुड्स,
तो जब मैं जीपी कंप्यूट करता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जब ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करता हूं, मैं क्या करता था, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के ऊपर मल्टीप्लाई किया जीपी मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। बट अब आपको समझना होगा जी कि सेल्स के ऊपर डायरेक्टली अगर हम जीपी परसेंट यूज करेंगे तो हमारा गलती हो जाएगा, क्योंकि ये सेल के अंदर दो टाइप के गुड्स है, एक नॉर्मल गुड्स जो नॉर्मल जीपी मार्जिन पर बिके हैं और दूसरे हो गए डिफेक्टिव गुड्स, डैमेज गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स, स्लो मूविंग गुड्स, जिनको हमने बेचा तो है बट वो उसी मार्जिन में नहीं बिक पाएंगे जिस मार्जिन में नॉर्मल गुड्स सेल होते हैं। हम लोग जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जब लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम लोग वहां से जीपी मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, उस जीपी मार्जिन से जीपी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बट अगर हमें पता चले कि ये जो गुड्स हमारे पास है या जो गुड्स हमने डील किए हैं, सेल किए हैं ड्यूरिंग द पीरियड, उसमें कुछ डिफेक्टिव आइटम्स भी सेल हुए थे जो नॉर्मल जीपी मार्जिन पर नहीं बिके थे, जिनको हमें सस्ता बेचना पड़ा था, तो क्या अब सेल के ऊपर डायरेक्टली परसेंटेज मल्टीप्लाई करके जीपी निकल जाएगा, या आपको सोचना पड़ेगा कि नॉर्मल गुड्स का जीपी अलग निकालो, डिफेक्टिव गुड्स का प्रॉफिट या लॉस अलग निकालो। अगर दोनों आप एक साथ निकाल दोगे तो कभी भी आपका आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि उसके हिसाब से जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो क्लोजिंग स्टॉक अपने आप गलत हो जाएगा। मेरा प्रॉब्लम ये है, अगर मेरे गुड्स के अंदर कुछ डिफेक्टिव गुड्स घुसे हुए हैं, डैमेज गुड्स घुसे हुए हैं, अगर वो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में है तो मेरे को क्वेश्चन जैसे वैल्यू करने बोलेगा मैं कर लूंगा, बोलेगा कॉस्ट पे करो कॉस्ट पे ले लूंगा, बोलेगा रियलाइजेबल वैल्यू पे करो उस पे कर लूंगा। बट अगर इन गुड्स का ड्यूरिंग द पीरियड कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे सेल का ट्रांजैक्शन, उस केस में मेरे को जो सेल के ऊपर जीपी कंप्यूट करनी है, मैं सेल के ऊपर डायरेक्टली जीपी कंप्यूट नहीं कर पाऊंगा परसेंटेज मल्टीप्लाई करके, क्योंकि नॉर्मल गुड्स अलग जीपी पर बिक रहा है, ये डिफेक्टिव गुड्स अलग प्रॉफिट पर बिक रहे हैं। अगर मैंने टोटल सेल्स के ऊपर वो मार दिया तो मेरा आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी डिफेक्टिव गुड्स से रिलेटेड, ये एबनॉर्मल स्लो मूविंग गुड्स से रिलेटेड अगर कोई डिटेल दे, तो आप उसको कैसे डील करके सही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर दोनों आइटम होगा, नॉर्मल भी हो सकता है डिफेक्टिव भी हो सकता है, मेरे को उसमें ज्यादा चिंता नहीं है। मेरे को चिंता है जो आप क्लोजिंग स्टॉक कंप्यूट करने के लिए दूसरे पैरामीटर्स यूज करते हो, वहां पर भी नॉर्मल गुड्स के पैरामीटर और डिफेक्टिव गुड्स के पैरामीटर सेम नहीं होंगे। और आप जानते हो कोई भी बिजनेस एंटिटी हो, ये डिफेक्टिव गुड्स, डैमेज गुड्स, स्लो मूविंग गुड्स एक इंटीग्रल पार्ट है, होता ही है। हमारा स्टॉक जो जितना सारा हमारे पास पड़ा है, सारा ही अच्छा स्टॉक हो जरूरी थोड़ी है, कुछ ऐसा भी स्टॉक हो उसमें जिसमें थोड़ा खासा डैमेज हुआ हुआ है, किसी का बटन टूटा हुआ है, किसी में थोड़ा सा दाग लगा हुआ है, इनको ऐसा नहीं है हम फेंकेंगे, हम बेचेंगे, बट ये उन गुड्स की तरह प्रॉफिट पर, उतना प्रॉफिट पर नहीं बिक पाएगा जितना नॉर्मल गुड्स बिकता है, या तो ये प्रॉफिट कम देगा या ये लॉस में बिकेगा। ऐसे गुड्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है, मैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले सारे बच्चे बताओ, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, वो सारे बच्चों को क्लियर हुआ, यस और नो? अगर हम लोग ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका बेसिक ज्ञान आपको क्लियर हुआ, यस और नो? एक बार सारे बच्चे मेरे को बताएं, अगर बेसिक क्लियर है तो ही मैं ज्ञान को आगे लेकर जा पाऊंगा, अदरवाइज हम लोग ज्ञान में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहले बताओ बेसिक क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। अब सर बताओ, अगर ये डिफेक्टिव आइटम्स, एबनॉर्मल गुड्स, स्लो मूविंग गुड्स क्वेश्चन में हुआ तो हम लोग इसको किस तरीके से डील करेंगे? पहले मैं डील कैसे करना है वो समझाता हूं, फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरी बुक में है, उस एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हमको क्वेश्चन आगे बढ़ाना है। ध्यान से मेरी बात सुनना, जब हम लोग को क्वेश्चन में डिफेक्टिव गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स का कॉन्सेप्ट दिया हुआ रहेगा, हम लोग पहले पैरामीटर्स जब कंप्यूट करते हैं, जैसे जीपी मार्जिन, उस पैरामीटर कंप्यूट करते समय हमें कुछ ध्यान देना होगा। हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, एक वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं।
वर्किंग नोट से हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ताकि हम क्या कैलकुलेट कर सके, जीपी मार्जिन कैलकुलेट कर सके। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जब मैं ये जीपी मार्जिन कैलकुलेट करूंगा ना, अब इस केस में जब हमारे क्वेश्चन में अबनॉर्मल गुड्स डिफेक्टिव गुड्स भी है, मैं जीपी मार्जिन कैलकुलेट करूंगा ओनली विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल गुड्स, ओनली विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल गुड्स, मीनिंग देयर बाई, मतलब क्या है इसका, मतलब जब मैं लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट, उस ट्रेडिंग अकाउंट में जब ओपनिंग स्टॉक लूंगा, परचेज लूंगा, सेल्स लूंगा, क्लोजिंग स्टॉक लूंगा, मैं सिर्फ नॉर्मल गुड्स के साथ डील करूंगा, क्योंकि ये जो मैं एवरेज जीपी मार्जिन निकाल रहा हूं, ये एप्लीकेबल ओनली उन गुड्स के लिए है जो मेरे लिए नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर बिक सकते हैं। अगर कोई डिफेक्टिव आइटम, एबनॉर्मल आइटम है, मेरे को पता है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे नहीं बिक पाएगा, तो उस पर ये जीपी मार्जिन मैं अप्लाई भी नहीं कर सकता। पहला काम हम लोगों को करना होगा, अगर क्वेश्चन हम लोगों को लास्ट ईयर का डेटा दे रहा है और बोल रहा है जीपी मार्जिन कैलकुलेट करो, मैं जीपी मार्जिन सिर्फ नॉर्मल गुड्स का कैलकुलेट करूंगा, उस समय मैं एबनॉर्मल गुड्स की सारी इंफॉर्मेशन को वहां से एलिमिनेट कर दूंगा। सर कैसे एलिमिनेट करेंगे? मान लो तुमको क्वेश्चन में बोला क्लोजिंग स्टॉक में, लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में कुछ एबनॉर्मल गुड्स थे, उस एबनॉर्मल गुड्स की जो वैल्यू वहां पर इंक्लूडेड है मैं वहां से हटा दूंगा। मान लो क्वेश्चन में बोला लास्ट ईयर कुछ एबनॉर्मल गुड्स का सेल भी हुआ, उस सेल्स के अंदर जो एबनॉर्मल गुड्स का सेल है मैं हटा दूंगा। अगर सेल हुआ, क्लोजिंग स्टॉक हुआ, तो जरूर 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 वो जो अबनॉर्मल गुड्स थे वो हमारी ओपनिंग स्टॉक या परचेज में भी होने चाहिए। बिना कॉस्ट के अंदर गुड्स हुए कभी वो सेल या क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आ नहीं सकता। मैंने अगर क्लोजिंग स्टॉक से हटाया या सेल से हटाया है, मैं उन गुड्स को ओपनिंग स्टॉक या परचेज से भी एलिमिनेट करूंगा। मतलब जहां जहां मेरा एबनॉर्मल गुड्स हो सकता है, मैं उन सब जगह से उन एबनॉर्मल गुड्स को एलिमिनेट करूंगा। जैसे ही मैं एबनॉर्मल गुड्स को वहां से हटा, अब जो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक बचा वो नॉर्मल गुड्स का, जो जीपी निकला वो नॉर्मल गुड्स का, और ये जीपी मार्जिन किस पर अप्लाई करूंगा, नॉर्मल गुड्स की सेल पर अप्लाई करूंगा, टोटल सेल्स पर अप्लाई नहीं करूंगा। तो मेरा जो पहला स्टेप होता है वर्किंग नोट बना के जीपी मार्जिन निकालना, अब मैं जीपी मार्जिन जब कैलकुलेट करूंगा, मैं सिर्फ नॉर्मल गुड्स का कैलकुलेट करूंगा, एबनॉर्मल गुड्स को मैं बिल्कुल साइड कर दूंगा। पहला काम। दूसरा काम, मैं जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में बनाऊंगा दो कॉलम का, टू कॉलम्स बनेंगे, दो कॉलम, दोनों साइड में दो अमाउंट कॉलम बनेंगे, एक नॉर्मल गुड्स का कॉलम और एक अबनॉर्मल गुड्स या स्लो मूविंग गुड्स का कॉलम। जो नॉर्मल गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोज सेल्स, जीपी होगा वो नॉर्मल गुड्स के कॉलम में आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स दिखाया, सेल्स के ऊपर जीपी परसेंटेज मार के नॉर्मल गुड्स कंप्लीट किया, उसका क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया। जो एबनॉर्मल गुड्स का ओपनिंग स्टॉक वगैरह होगा वो एबनॉर्मल गुड्स के कॉलम में रखूंगा। मैं दोनों गुड्स को सेपरेट कर दूंगा, नॉर्मल और एबनॉर्मल। अगर वो एबनॉर्मल या स्लो मूविंग गुड्स फायर लगने से पहले पूरा बिक चुका है, तब तो क्लोजिंग स्टॉक में उसका वैल्यू अपने आप जीरो हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। बट अगर उस एबनॉर्मल गुड्स में फायर के दिन भी कुछ गुड्स मेरे पास था, तो उन गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, सेल्स और प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद, अब यहां पे जो सेल्स के ऊपर प्रॉफिट निकालूंगा वो जीपी मार्जिन के बेसिस पे नहीं निकालूंगा, वो एक्चुअल बेसिस पे निकालूंगा, जितना प्रॉफिट या लॉस उस गुड्स को बेचकर मेरे को हुआ है, और उसके बाद उसके क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। मतलब अब मेरा काम ये रहेगा कि मेरे को दोनों टाइप ऑफ गुड्स को सेग्रीगेट करना है, नॉर्मल गुड्स का कैलकुलेशन अलग करूंगा, एबनॉर्मल गुड्स का कैलकुलेशन अलग करूंगा। लास्ट ईयर का ट्रेडिंग मैं सिर्फ नॉर्मल गुड्स का क्यों बना रहा हूं, क्योंकि एबनॉर्मल गुड्स का कोई फिक्स मार्जिन नहीं है, यह सस्ता भी बिक सकता है, अच्छा भाव भी कभी मिल जाए और कभी कुछ ना भी मिले। तो एबनॉर्मल गुड्स का मेरे को जीपी मार्जिन कैलकुलेट नहीं करना है, जीपी मार्जिन सिर्फ नॉर्मल गुड्स का। बट जब करेंट ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, उसमें मैं दोनों को अलग अलग कर लूंगा, नॉर्मल गुड्स का क्या डिटेल है, एबनॉर्मल गुड्स का क्या डिटेल है। इससे जब मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा, क्लोजिंग स्टॉक दोनों का निकल जाएगा, नॉर्मल गुड्स का कितना क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल गुड्स का कितना क्लोजिंग स्टॉक। सर एबनॉर्मल गुड्स के ऊपर हम लोगों को क्लेम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सर किस वैल्यू पे मिलेगा? सर क्वेश्चन आपको बताएगा। नॉर्मली मैं ये बोलता हूं कि जो आपका कॉस्ट लगा था, जो आपके लिए उस गुड्स का कॉस्ट था, उसके ऊपर आपको क्लेम मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट था गुड्स पर, उन गुड्स को आपने उस वैल्यू पर
इंश्योर करवा के रखा था। बट अगर क्वेश्चन कभी मेरे को बोलेगा कि इनका क्लेम या इनका रियलाइजेबल वैल्यू गिर गया है, तो मैं लॉस और क्लेम दोनों रियलाइजेबल वैल्यू के बेसिस पर क्लेम कर लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मेरे को बताएगा जो बचा हुआ एबनॉर्मल गुड्स है ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा, उसको किस हिसाब से वैल्यू करना है। मैं जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, मैं कॉस्ट पे कैलकुलेट करूंगा, जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट बना के लॉस कैलकुलेट करने जाऊंगा, क्वेश्चन हमको बताएगा क्या ये गुड्स का लॉस कॉस्ट पे निकलना चाहिए या ये गुड्स का लॉस रियलाइजेबल वैल्यू पे निकलना चाहिए। उसी के बेसिस पे मैं लॉस कंप्यूट करके फाइनल क्लेम निकाल लूंगा। बट ये एबनॉर्मल गुड्स को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, ये लॉस के अंदर भी इंक्लूड होगा, इन पर भी हमको क्लेम मिलेगा। वैल्यू क्या लेनी है फाइनल लॉस के समय, वो क्वेश्चन आपको बताएगा। आपको घबराने की या हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे, आप जो गुड्स का कॉस्ट है उसके हिसाब से लॉस दिखा के इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग लेना, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए इन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए। मैं जब क्वेश्चन आपको पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन जब आप मेरे साथ करोगे ना, मैं हाथ पकड़ पकड़ के आपको कराऊंगा, देखो ये यहां इंक्लूडेड है, इधर से हटाओ, पहले नॉर्मल गुड्स का निकाल लो, फिर एबनॉर्मल गुड्स के बारे में सोचेंगे, सब चीज धीरे धीरे हाथ पकड़ के सिखाऊंगा। बट मेरे को सबसे पहले तुमको यही समझाना था, नॉर्मल गुड्स का कैलकुलेशन जो अभी तक करते आ रहे थे, एबनॉर्मल गुड्स आते ही कैलकुलेशन बदल जाएंगे, क्योंकि एबनॉर्मल गुड्स वो गुड्स है जो नॉर्मल जीपी मार्जिन फेच नहीं करेंगे। तो जो तुम अभी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे सेल्स के ऊपर डायरेक्टली जीपी निकाल लेते थे, अब वो उतना आसान नहीं होने वाला है। नॉर्मल गुड्स का जीपी अलग निकलेगा, एबनॉर्मल गुड्स का प्रॉफिट लॉस अलग निकलेगा। अगर सही प्रॉफिट लॉस निकलेगा तभी क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर सही आएगा, नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक सही नहीं आएगा। अब इतना कुछ बोला, बट जब तक आप इस क्वेश्चन को देखोगे नहीं, एग्जाम्पल को फील नहीं करोगे ना, तब तक आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं होगा। मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद हम लोग आपके डाउट सॉल्व करेंगे। पहले मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, इधर आओ ना, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, और ये क्वेश्चन मैं आपको बचपन में भी करवाता था। दिखाता हूं मैं क्वेश्चन, सारे बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में, सारे बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में, एवरीवन प्लीज। हाँ, यश बोल रहा है, सर फिर तो हम लोग इन गुड्स का वैल्यू बढ़ा के इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा लॉस और क्लेम मांग लेंगे। इंश्योरेंस कंपनी का जो सर्वेयर है वो अगर आपसे पट जाए तो बिल्कुल सही है, अदरवाइज वो भी बेवकूफ नहीं है। अगर उन्होंने निकाल लिया कि इनमें से कुछ डैमेज गुड्स है, आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से अगर वो निकाल पाए ये चीज, फिर उस केस में वो आपको पूरे वैल्यू का नहीं देंगे, वो आपको उसी हिसाब से क्लेम कैलकुलेट करके देंगे। धन्यवाद। हम जब क्वेश्चन में करेंगे या हम जब नॉर्मल बात करेंगे, तब मैं बोलूंगा पहला आपका हमेशा होना चाहिए कॉस्ट के ऊपर क्लेम मिलेगा, ये हमारा इन्वेस्टमेंट था स्टॉक में, इतना नुकसान हुआ इसका क्लेम मिलना चाहिए था। अगर कहीं पॉलिसी में या क्वेश्चन में ये लिखा हो नहीं, जो डिफेक्टिव गुड्स है उनका रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से क्लेम मिलेगा, तो फिर मैं उसको यूज करूंगा, अदरवाइज मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 मेरे साथ पढ़े, फिर मैं आपके डाउट लूंगा। From the value following information, ascertain the value of stock as on 31st March 2012. मेरे को बोल रहा है स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करके दो, यही तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, याद है फर्स्ट स्टेप, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना, वही पूछ रहा है। इस बार क्लेम नहीं पूछा, सिर्फ बोला वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल के दो। पढ़ते हैं, ओपनिंग स्टॉक दे दिया 28,500, ओपनिंग स्टॉक, परचेज दे दिया 152,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे दिया 30,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग का पार्ट है, ये पीएल का नहीं ट्रेडिंग का पार्ट है, सेलिंग एक्सपेंसेस बेकार है, ये पीएल का पार्ट है, ट्रेडिंग का काम नहीं है, गुड्स को बनाने का खर्चा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पीएल का पार्ट है, फाइनेंस एक्सपेंस इंटरेस्ट पीएल का पार्ट है, ये तीन खर्चे आपको बेकार दिए हैं, इनका ट्रेडिंग अकाउंट से कोई रिलेशन नहीं है, बेकार फंसाने के लिए दिया है। आगे सेल्स दे दिया 249, अब ध्यान से पढ़ना इंफॉर्मेशन, अब तुमको डिफेक्टिव आइटम्स का इंफॉर्मेशन दे रहा है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 2011, यानी लास्ट ईयर का,
यानी लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक मतलब इस साल का ओपनिंग स्टॉक का बात कर रहा है। अ सम ऑफ 3500 वॉज रिटन ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेस्ड फॉर 10,000। ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से क्या बोल रहा है, इंग्लिश पढ़ो। अ सम ऑफ 3500 वॉज रिटन ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम। रिटन ऑफ करना मतलब, रिटन ऑफ करना मतलब उसकी वैल्यू कम कर देना, वैल्यू रिड्यूस्ड, वैल्यू रिड्यूस्ड, विच वॉज ओरिजिनली परचेस्ड फॉर 10,000। वो हमने खरीदा था 10,000 में, बट जब हमने लास्ट ईयर उसका वैल्यूएशन किया ना, वैल्यूएशन, हमने 3,500 राइट ऑफ कर दिए थे। क्यों राइट ऑफ किए? नॉर्मली वो डैमेज गुड्स था, डिफेक्टिव गुड था, वो उतना रियलाइज नहीं कर पाता जितना उसका कॉस्ट था, तो हमने उसको उसकी एनआरवी पर ला दिया। किस पर ला दिया? एनआरवी पर ला दिया। यानी अगर मेरा आप बात समझने का कोशिश करो, ये 28,500 के अंदर, 28,500 के अंदर 6,500 का एबनॉर्मल गुड्स है। सारे बच्चे बताएंगे हां या ना। मैंने कुछ लिखा है, आप इसको सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो 28,500 का इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, यानी लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें 6,500 का, 6,500 का एबनॉर्मल गुड्स था, हां या ना? 10,000 का उसका कॉस्ट था, हमने वैल्यूएशन करते समय 3,500 राइट ऑफ कर दिया। अगर 10,000 में 3,500 राइट ऑफ कर दिया तो वैल्यू कितना बचा? 6,500। उसी अमाउंट पे तो उसको हमने लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड किया था। अगर लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक वो था तो ये इस साल का ओपनिंग स्टॉक, इसके अंदर 6,500 का एबनॉर्मल गुड्स है। अगर मैं तुमसे पूछूं नॉर्मल गुड्स कितना, तो तुम ऐसे बोल सकोगे, सर 22,000 का नॉर्मल गुड्स, 6,500 का एबनॉर्मल गुड्स जिसकी कॉस्ट 10,000 है। 22,000 का नॉर्मल गुड्स, 6,500 का एबनॉर्मल गुड्स जिसकी कॉस्ट 10,000 है। क्या आप ये बोल पाते हो हां या ना? क्या आप ये बोल पाते हो हां या ना? अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को तोड़ना चाहूं, ओपनिंग स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक है 28,500 का, जिसमें 6,500 की वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू एबनॉर्मल गुड्स की है, जिसका कॉस्ट 10,000 है, और 22,000 जो बचा वो किसका वैल्यू है? वो किसका वैल्यू है? नॉर्मल गुड्स का वैल्यू है। मानते हो? आपने बोला सर बिल्कुल मानते हैं, ठीक है आगे पढ़ता हूं। एंड वो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 9,000। ये 6,500 का गुड्स मैंने 9,000 में बेच दिया। आप दोनों तरीके से बोल सकते हो, 6,500 का 9,000 में बेच दिया, या 10,000 का 9,000 में बेच दिया। आप जैसे सोचना चाहते हो सोचो, मेरा मेन मुद्दा यह है कि वो गुड्स बिक चुका है। अगर बिक चुका है तो वो गुड्स सेल्स के अंदर इंक्लूडेड होगा हाँ या ना? वो गुड्स सेल्स के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो अगर मैं ऐसा बोलूं तो क्या तुम मानते हो क्या, 249 में 9,000 एबनॉर्मल गुड्स का सेल है, 9,000 एबनॉर्मल गुड्स का सेल है, तो बैलेंस 2,40,000, बैलेंस 2,40,000 किसका सेल्स है? नॉर्मल गुड्स का सेल है। तो ये 9,000 में वो सारा गुड्स बिक चुका है। सारा गुड्स बिक गया मतलब एक बहुत अच्छा बात है, क्लोजिंग स्टॉक में कोई एबनॉर्मल गुड्स नहीं है, क्योंकि वो था और मैंने इस साल उसको सेल कर दिया बिफोर द डेट ऑफ फायर। अगर सेल कर दिया तो वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में तो नहीं आएगा। आगे, बारिंग दिस ट्रांजैक्शन द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑन सेल्स। अगर मैं इसको हटा दूं तो बाद बाकी जो माल बिका ना उस पर मैं 20% प्रॉफिट कमाता हूं ऑन सेल्स। मैं यही बात कर रहा था, एबनॉर्मल गुड्स, डैमेज गुड्स या डिफेक्टिव गुड्स ऐसे गुड्स है जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको फेच नहीं करेंगे, जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से कोई दूसरी ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस मार्जिन पर सेल हो रहे हैं। हमें अगर ये मार्जिन यूज करनी है, ये 20% यूज करके अगर जीपी निकालना है, मैं पूरे 249 पर वो जीपी नहीं निकाल सकता, क्योंकि इस 249 में 9,000 का ऐसा गुड्स है जिसमें 20% कमाई नहीं हुआ है, जिसमें कमाई कुछ और ही हुआ है। उसको छोड़ के जो 240 है उस पर हमने 20% कमाया है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक सम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की कि जब आपको नॉर्मल एबनॉर्मल गुड्स का आपको क्वेश्चन में ज्ञान देगा तो किस तरीके से वो ज्ञान आपके सामने प्लेस किया जाएगा। ये वो तरीका है जब आप, जैसे आपको ज्ञान प्लेस किया जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है, सारे गुड्स एक फिक्स मार्जिन पर सेल नहीं हो रहे,
कुछ गुड्स अलग मार्जिन पर बिक रहे हैं, बैलेंस जो बचे हुए गुड्स है वो एक फिक्स मार्जिन पर बेचे जा रहे हैं। यहां मेरा क्वेश्चन क्लेम कैलकुलेट करना नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या, एबनॉर्मल गुड्स का तो कोई स्टॉक बचा ही नहीं, सिर्फ क्या बचा, नॉर्मल गुड्स। तो मैं नॉर्मल गुड्स पे कॉन्सेंट्रेट करके सारा स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूं आपके लिए। आइए हम लोग करेंगे मिलकर फटाफट, आ जाओ। ये हो गया पेज नंबर 20, बुक वन पेज 20। आ जाओ आंसर टू क्वेश्चन, आंसर टू क्वेश्चन 10। मेरे साथ एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे सब लोग। ये ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग सिर्फ बनाएंगे फॉर द टाइमिंग, सिर्फ बनाएंगे नॉर्मल गुड्स का। सर नॉर्मल गुड्स का क्यों बना रहे हो अभी आप? इसलिए क्योंकि एबनॉर्मल गुड्स सारा बिक गया, उसका क्लोजिंग स्टॉक में कोई अब रिलेशन नहीं है, तो मैंने एबनॉर्मल गुड्स को इग्नोर करके सिर्फ नॉर्मल गुड्स का बनाना है और उसी के हिसाब से मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा वही क्लोजिंग स्टॉक होगा। सर अगर क्वेश्चन में बोल देता कि एबनॉर्मल गुड्स में आधा बिका आधा बाकी, तो मैं दो कॉलम बना लेता, नॉर्मल गुड्स एबनॉर्मल गुड्स, बात खत्म हो जाता। बट क्योंकि वो पूरा का पूरा बिक चुका है, क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन में उसका कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं एक बार उसको इग्नोर कर रहा हूं। तुम बोलोगे तो मैं बना भी दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग नॉर्मल बनाते हैं, फिर मैं अब नॉर्मल बना के दिखाऊंगा आपको। आ जाओ। खुशी पूछ रही है, भैया ये 6,500 का गुड 9,000 में सेल किया है। अगर वैल्यू के वाइज खुशी आप पूछ रहे हो, बिल्कुल, जो जिस गुड्स को हमने लास्ट ईयर 6,500 पे वैल्यू किया था उसको इस साल 9,000 पे सेल किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ईयर जब हमने एनआरवी चेक की 6,500 आ रहा था, इस साल गुड्स का दाम बढ़ गया, अच्छा बात है, ज्यादा दाम पे बिक पाया हमारे लिए, अच्छा बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर टोटल पे बात करना चाहते हो तो ये गुड्स 6,500 का नहीं था, ये गुड्स 10 का था, 9 में बेचा, तो फाइनली 1,000 का नुकसान हुआ है अगर टोटल कॉस्ट पर बात करते हो तो। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक। ध्यान से मैं जब बोल रहा हूं, मेरे को सिर्फ नॉर्मल गुड्स का चाहिए, नॉर्मल गुड्स का, सिर्फ नॉर्मल गुड्स का। आप ऐसे बोल सकते हो, ओपनिंग स्टॉक 28,500 माइनस एबनॉर्मल गुड्स का वैल्यू, वैल्यू 6,500। कैसे? 10,000 कॉस्ट था, हमने 3,500 राइट ऑफ किया था, 10,000 कॉस्ट था, हमने 3,500 राइट ऑफ किया था, तो 6,500 उनकी वैल्यू हो गई। नॉर्मल गुड्स का ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 22, ठीक। परचेज, परचेज में तो कुछ बेकार गुड्स था ही नहीं, तो परचेज नॉर्मल लिख देता हूं 152,500। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 30,000, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल, ये तीनों पीएल का आइटम है, ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं। सेल्स, बहुत ध्यान से, सेल्स टोटल हुआ है 249, बट इसमें से ना 9,000 का जो गुड्स है, 9,000 का जो गुड्स है वो एबनॉर्मल वाला सेल हुआ है, उसको अगर हटा दूं तो मेरा नॉर्मल गुड्स का सेल हुआ है 2,40,000। हटाया क्यों? क्योंकि ये गुड्स 20% मार्जिन पर नहीं बिक पाएगा, ये गुड्स किसी और ही मार्जिन पर बिकेगा, तो मैंने उसको यहां से एलिमिनेट कर दिया। अब जैसे ही 240 सेल्स आ गया, अब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो 20% ऑफ सेल्स यानी 48,000, तो पता है मेरा क्या निकल जाएगा? बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक किसका निकलेगा? नेचुरली सर, अगर नॉर्मल गुड्स का ट्रेडिंग बन रहा है तो नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकल गया 22,000 प्लस 152,500 प्लस 30 प्लस 48 माइनस 240, 12,500। जैसे विनीत और आदिति ने बोला, वेरी 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 गुड, 12,500 इज द करेक्ट आंसर।
बच्चा मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है वर्ड्स से, अभी मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है एबनॉर्मल गुड्स हम लोग किसको बोल सकते हैं। एबनॉर्मल गुड्स डिफेक्टिव गुड्स हो सकते हैं, स्लो मूविंग गुड्स हो सकते हैं, जो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे जो हमारे नॉर्मल दूसरे गुड्स कमाते हैं, इनको हम लोग एबनॉर्मल गुड्स के नाम से जानते हैं। ये गुड, ये क्वेश्चन मैंने फाउंडेशन में भी आपको कराया था, आप अपनी बुक खोल के देखना इन्वेंटरी चैप्टर, आपको ये दिख जाएगा। उस समय भी ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी कैसे स्टॉक वैल्यूएशन कर सकते हैं, नॉर्मल गुड्स को साइड करो जो बचा है, एबनॉर्मल गुड्स को साइड करो जो बचा नॉर्मल गुड्स, उसका क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो क्योंकि एबनॉर्मल गुड्स सारा का सारा बिक चुका है। अब खुशी का मन बोल रहा है, खुशी का मन बोल रहा है सर एक बार एबनॉर्मल गुड्स का ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाओ ना। कैसे बनाओगे, इधर आ जाओ, एबनॉर्मल गुड्स का ट्रेडिंग अकाउंट। खुशी का मन बोल रहा है जो मेरे को समझ में आ रहा है वो यही पूछना चाहती है सर नॉर्मल वाला तो हम समझ गए, एबनॉर्मल वाला बनाते तो कैसे बनाते दिखाओ ना, प्रॉफिट कितना दिखेगा, 2500 दिखेगा कि 1000 दिखेगा, आ जाओ। अगर तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के पर्पज से मेरे से पूछ रहे हो जहां तुम्हारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट निकालना है, तो मैं तुमको बोलूंगा टू ओपनिंग स्टॉक 6500। अगर लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक 6500 पे वैल्यू हुआ तो इस साल ओपनिंग स्टॉक भी सेम वैल्यू पर आएगा 6500। पाई सेल्स बेच कितने में दिया 9000, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट, इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट 2500, इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट 2500। अब एक बच्चा मेरे से लड़ रहा है सर क्या आप समझा रहे हैं, सर हमको दिख रहा है 10000 का माल 9000 में बिका, आप बोल रहे हैं प्रॉफिट, सर ये तो लॉस होना चाहिए था 1000 का। मेरे बच्चे अगर तू प्रॉफिट की बात कर रहा है, ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा है, तो लास्ट ईयर सोचना मैंने क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया 6500, कैसे 3500 राइट ऑफ करके। अगर लास्ट ईयर मैंने 3500 राइट ऑफ किया था तो ये 3500 का लॉस दिखाया होगा, इस साल 2500 का प्रॉफिट दिखा दिया, 3500 का लॉस उन गुड्स पर, उसी गुड्स पर 2500 का प्रॉफिट, तो नेट लॉस तो 1000 आ गया ना। अगर तुम मेरे से पूछ रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट बना के दो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग करेक्ट प्रॉफिट, जो मेरे को लोगों को बताना है, तो ये सही है। अगर तुम मेरे से पूछते सर मेमोरेंडम ट्रेडिंग में क्या करेंगे, तो मैं बोलूंगा 5 मिनट बाद बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर आगे लूंगा तब बताऊंगा, अभी बात नहीं करूंगा। अभी तेरे मन में जो सवाल था मैंने सिर्फ उसका आंसर किया कि अगर मैं नॉन मतलब एबनॉर्मल गुड्स का ट्रेडिंग अकाउंट बनाता, स्लो मूविंग गुड्स का ट्रेडिंग अकाउंट बनाता स्टेक होल्डर्स को दिखाने के लिए, तो वो कैसा दिखता, ऐसा दिखता 6500 का ओपनिंग वैल्यू, 9000 में बेचा, 2500 का प्रॉफिट, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं क्योंकि पूरा का पूरा बिक चुका है। क्या सबको यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों, यहां तक क्लियर है क्या? वेरी गुड झिलमिल, वेरी गुड। यस खुशी दीदी जरूरी है, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे। खुशी अब क्लियर है क्या तुमको? लास्ट ईयर 3500 का लॉस ऑलरेडी दिखाया हुआ है, तो इस साल मेरे को यही बोलना होगा 6500 का गुड्स 9000 में सेल हुआ एंड द प्रॉफिट इज 2500, इस साल मेरे को यही बोलना पड़ेगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग में क्या करेंगे उसका मैं 10 मिनट बाद बात करूंगा, अभी मैं बीच में उसको नहीं लाऊंगा, अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं एबनॉर्मल गुड्स होते क्या है। शिवम पूछ रहा है सर क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस एबनॉर्मल पे नहीं लगा होगा? सुनना ध्यान से शिवम, ये जो मेरे पास गुड्स है ना ये ओपनिंग स्टॉक से पड़े हुए हैं, मतलब ये साल ये गुड्स इस साल मैन्युफैक्चर नहीं किए, ये गुड्स लास्ट ईयर ही बन चुका था, तो इस साल इसकी कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक का पार्ट है जो लास्ट ईयर ही बन चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 आपको अगर क्लियर है, अगर आपको क्लियर है सबको, आप लोग बोल रहे हो, तो मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15, मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 10 और 15 ऐसा है ना जो स्लो मूविंग
गुड्स को इंट्रोड्यूस करता है आपको, इंट्रोड्यूस करता है कॉन्सेप्ट को। ये आपका फाइनल क्वेश्चन नहीं है जो ऐसा एग्जाम में आई जाएगा। फाइनल क्वेश्चन जो है ना स्लो मूविंग आइटम का मेमोरेंडम ट्रेडिंग पे इफेक्ट, वो इस क्वेश्चन के बाद आपको दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन नंबर 15 आप मेरे साथ पढ़े। रीड करेंगे सारे बच्चे मेरे साथ। अगर आप बोलेंगे आप बनाना चाहते हो आप बनाना, मेरे को दिक्कत नहीं है। एक बार रीड कर लेते हैं। ऑन 30 जून 2011 एक्सीडेंटल फायर डिस्ट्रॉयड अ मेजर पार्ट ऑफ स्टॉक इन द गोडाउन ऑफ जय एसोसिएट। फायर लग गया 30 जून 2011। स्टॉक कॉस्टिंग 32,000 कुड बी सैलवेज्ड बट नॉट देयर स्टोर्स लेजर। स्टॉक तो कुछ बच गया बट उनका जो स्टोर्स लेजर था, उनका जो बुक्स था, स्टॉक रिकॉर्ड था, वो जल गया। वो तो ऐसे भी जल गया, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकाल रहे हैं। अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज इन फोर्स वेयर द सम इंश्योर्ड वॉज 3,50,000, पॉलिसी वैल्यू 3.5 लाख। फ्रॉम द अवेलेबल रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज रिट्रीव्ड। पहला, टोटल ऑफ सेल्स इनवॉइस ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू जून अमाउंटेड टू 30,20,000। An analysis showed that goods of the value 3 lakh had been returned by the customer before the date of fire. कुछ गुड्स कस्टमर ने रिटर्न किए हैं बिफोर द डेट ऑफ फायर। सेल्स रिटर्न है, सेल्स से माइनस कर देंगे, नॉर्मल है। आगे, ओपनिंग स्टॉक ऑन 1/4/2011 वॉज 2,20,000 ओपनिंग स्टॉक, इंक्लूडिंग स्टॉक ऑफ द वैल्यू 20,000 बींग लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट वैल्यू सब्सिक्वेंटली रियलाइज। ध्यान से, 2,20,000 का टोटल गुड्स ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया है, जिसमें 20,000 का ऐसा गुड्स है जो हमने लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी वैल्यू किया था। मतलब सिंपली बोलूं, ये एनआरवी पर वैल्यू हुआ था, यानी एनआरवी पर वैल्यू हुआ था मतलब ये कॉस्ट से लोअर दाम पे बिकने वाला था, यानी ये मेरे लिए वही डैमेज्ड गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स, स्लो मूविंग आइटम एक्सेट्रा वही है। एंड सब्सिक्वेंटली रियलाइज, नेट वैल्यू सब्सिक्वेंटली रियलाइज। ये जो नेट वैल्यू है ना 20,000 का, ये इस साल हमने बेच के रियलाइज कर लिया। ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 का, जिसके अंदर कुछ 20,000 का गुड्स था जो लोअर ऑफ कॉस्ट वैल्यू हुआ, एंड नेट वैल्यू सब्सिक्वेंटली रियलाइज, ये 20,000 हमने बेच के रियलाइज कर लिया। ठीक है, मतलब ये जो डिफेक्टिव आइटम था ये बिफोर द डेट ऑफ फायर हमने बेच के पैसा रियलाइज कर लिया। ध्यान से आगे, परचेज दिया हुआ 21 लाख का, नॉर्मल जीपी मार्जिन दिया हुआ 33 1/3 ऑन सेल्स, यानी 1/3। A sum of 30,000 was incurred by way of firefighting expense on the date of fire. Firefighting खर्चा लगा, हम लोग loss में include कर लेंगे। Prepare a statement showing insurance claim recoverable. आपको एक statement बनाना है और बताना है कितना claim हमें recover हो पाएगा। तो यहाँ पे भी क्या बोला आपको पता है? Opening stock में कुछ goods ऐसे थे जिनको cost से low value पर हमने value किया है। Slow moving item है, defective item है, damaged item है, जिसको बेच के profit नहीं कमा पाएंगे। हमने 20,000 का वैल्यू इंक्लूड कर रखा है जो डिफेक्टिव गुड्स है, और उसको करंट ईयर में 20,000 में हमने बेच दिया। ठीक, हमको बोल रहा है क्लेम का वैल्यू निकालो। एक बात ध्यान से सुनना, हमको क्वेश्चन बोल दिया वो नॉन मतलब वो जो एबनॉर्मल गुड्स है, डैमेज्ड गुड्स है, वो इस साल बिक चुका है। अगर बिक चुका है मतलब उसका क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ बचेगा नहीं, तो तुम चाहो तो सिर्फ नॉर्मल गुड्स का कॉलम बना के क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो, तुम चाहो तो नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों बना लो, बट एबनॉर्मल में वैल्यू जीरो आ जाएगा क्योंकि जितना गुड्स था वो फ्यूचर में सेल हो गया। सब्सिक्वेंटली रियलाइज मतलब बेच के उसका पैसा आ गया। डन है बात? आइए मेरे साथ बनाओ ये क्वेश्चन, मेरे साथ बनाओ आंसर टू क्वेश्चन 15। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट तुमको सिखाने के लिए मैं दो कॉलम का बनाऊंगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एग्जाम में तुम सिंगल कॉलम का भी बना सकते हो, क्योंकि अब नॉर्मल गुड सारा बिक चुका है। अगर वो बिक चुका है तो उसका कॉलम बना के क्लोजिंग स्टॉक नील ही आना है, उसका आपके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2011 टू 30 जून 2011,
20,000 का गुड्स 20,000 में ही बिक गया है, सब्सिक्वेंटली उतना ही रियलाइज्ड 20,000 का 20,000 में सेल हुआ है झिलमिल, तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट इस साल जीरो होगा। हमने साल शुरू होते ही बेच दिया होगा, एनआरवी कैलकुलेट किया, जैसे ही साल शुरू हुआ नॉर्मली वो बिक गया, तो हम लोगों को उतना ही रियलाइज हो गया जितना हमने एनआरवी एस्टिमेट किया था, कोई अलग से प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स, मैं दो कॉलम बना रहा हूं सिर्फ सिखाने के लिए। अभी जो क्वेश्चन नंबर हमने किया इससे पहले वाला और ये, इन दोनों क्वेश्चन में एक ही खास बात है, एबनॉर्मल गुड्स ईयर एंड पर या ऑन द डेट ऑफ फायर कुछ नहीं बचा, पूरा का पूरा सेल होके खत्म हो गया। आगे के क्वेश्चन अब जो आएंगे वो ऐसे आएंगे जहां पर आपको दिखेगा एबनॉर्मल गुड्स भी बचा हुआ है, तो उनका भी वैल्यू निकाल के हमें ट्रेडिंग अकाउंट में सही से बैठाना होगा। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, ध्यान से हड़बड़ी नहीं, दो कॉलम बनाया नॉर्मल का अलग एबनॉर्मल का अलग, बताओ कैसे कैसे वैल्यू लिखूं। टोटल ओपनिंग स्टॉक है 2,20,000 का, मेरे को बताओ मैं कैसे कैसे वैल्यू लिखूं, कैसे कैसे वैल्यू प्लेस करूं। एबनॉर्मल का वैल्यू दिया हुआ है आपको जो इसके अंदर इंक्लूडेड है, एबनॉर्मल का वैल्यू दिया हुआ है वैल्यूड एट ₹20,000 बीइंग लोअर ऑफ कॉस्ट, वैल्यूड एट ₹20,000, तो अगर 2,20,000 में 20,000 एबनॉर्मल है तो नॉर्मल कितना हो गया 2 लाख, नॉर्मल हो गया 2 लाख। आगे परचेजेस में हमको कुछ ऐसा नहीं बोला है, तो मैं बिल्कुल सिंपली परचेज पूरा का पूरा नॉर्मल गुड्स, कुछ एबनॉर्मल गुड्स परचेज नहीं हुआ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसको लेके, गुड। सेल्स, अब सेल्स में ना ध्यान रखना, सेल्स टोटल सेल्स दिया हुआ 30,20,000 का, 30,20,000 का, जिसमें से कुछ वो अब नॉर्मल गुड्स बेच के रियलाइज किया है, सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड, मतलब बेच के रियलाइज हो गया, कितना अलग से कोई वैल्यू नहीं दिया है, मतलब वो एनआरवी जो था ना 20,000 वो हमने रियलाइज कर लिया, ठीक है 20,000 रियलाइज्ड। अगर 20,000 रियलाइज हो गया एबनॉर्मल गुड्स से, तो बैलेंस 30 लाख सेल्स किसका है, नॉर्मल गुड्स का, नॉर्मल गुड्स का सेल हो गया 30 लाख, एबनॉर्मल गुड्स का सेल हो गया 20,000 लेस सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न में आपको कहीं नहीं बताया है कि ये नॉर्मल वाला है कि एबनॉर्मल, जब कुछ नहीं बोलेगा हम मानेंगे नॉर्मल वाले का सेल्स रिटर्न है, ये 3 लाख का सेल्स रिटर्न नॉर्मल वाले का, तो अगर आप चाहो तो 27 लाख हो गया नॉर्मल गुड्स का सेल, 20,000 हो गया एबनॉर्मल गुड्स का सेल। सेल्स रिटर्न सेल से माइनस करूंगा मैं हमेशा, सेल रिटर्न हमेशा सेल से माइनस। अब इसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट ध्यान से, नॉर्मल गुड्स के लिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है नॉर्मल जीपी मार्जिन 1/3 ऑन सेल्स, 27 लाख का 1/3 9 लाख, 27 लाख का 1/3 9 लाख, और एबनॉर्मल गुड्स पे कुछ नहीं कमाई हुआ, 20,000 का वैल्यू किया था 20,000 में ही बेच दिया, 20,000 का वैल्यू था 20,000 में ही बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस जीरो, मैं जीरो लिख देता हूं जीरो। अब आप निकाल लो क्लोजिंग स्टॉक, अब आप निकाल लो क्लोजिंग स्टॉक, सिंपली मेरा बोलने का इतना ही मतलब है, अब नॉर्मल और एबनॉर्मल को अलग अलग देखना शुरू कर देना, नॉर्मल को अलग देखना एबनॉर्मल को अलग देखना, तब जाके तो तुम्हारी कैलकुलेशन सही होंगे, अदरवाइज कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। डन है क्या?
इशिका बोल रही है सर गुड्स एट वैल्यू दिया है तो 3 लाख तो कॉस्ट प्राइस हुआ ना। इशिका जब सेल्स के साथ आपको कोई वैल्यू दे रहा है, सेल्स के साथ आपको कोई वैल्यू दे रहा है, वो वैल्यू सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस गुड्स का दो वैल्यू, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। जब सेल्स के साथ इंफॉर्मेशन वैल्यू का दे रहा है तो वो सेल्स प्राइस ही है। डन है क्या? बताइए फटाफट। ठीक, तो अब मैं क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालूं बताओ। क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन 2 + 21 + 9 = 32 लाख। 32 लाख माइनस 27 लाख, तो ये हो गया 5 लाख, और ये हो गया 2020 बैलेंस हो गया क्योंकि पूरा का पूरा सेल हो गया, तो इसका क्लोजिंग स्टॉक जीरो, इसका क्लोजिंग स्टॉक जीरो। अब इसके बाद तो आप चैंपियन हो, मेरे को सिखाने की जरूरत थोड़ी है, मेरे को तो सिर्फ नॉर्मल एबनॉर्मल को अलग करना था। इसके बाद आप चैंपियन है, मेरे से अच्छा जानते हैं। लॉस, लॉस स्टॉक वैल्यू 5 लाख, एड फायर फाइटिंग एक्सपेंस, फायर फाइटिंग एक्सपेंस, फायर फाइटिंग एक्सपेंस कितना लगा 30,000, लेस 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 बोलो क्या लेस, सैलवेज, सैलवेज वैल्यू, सैलवेज वैल्यू दिया हुआ है 30,000। चलो निकल के वो 5 लाख ही हो गया, बात खत्म। अब मेरे को क्लेम निकालना है। पॉलिसी वैल्यू 3.5 लाख का है, ध्यान से, सिंस पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन स्टॉक वैल्यू, ये 3.5 लाख, ये 5 लाख, स्टॉक इज अंडर इंश्योर्ड, स्टॉक इज अंडर इंश्योर्ड, एंड एवरेज क्लॉज विल बी एप्लीकेबल, एवरेज क्लॉज विल बी एप्लीकेबल। क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है तो मैं मानूंगा एवरेज क्लॉज है, है और अप्लाई भी करेगा। लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय एसेट वैल्यू, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय एसेट वैल्यू। लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय एसेट वैल्यू। सबको क्लियर है क्या? हां या ना बताओ, क्लियर है क्या सबको? अभी तक मैं मेन सम में नहीं गया हूं बच्चा, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। व्हाट आर एबनॉर्मल, व्हाट आर नॉर्मल, कैसे जीपी अलग अलग हो सकता है दोनों का, सिर्फ वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो क्वेश्चन लूंगा वो लूंगा जो एग्जाम में 10 मार्क का आता है, ठीक है ना? पहले यहां तक बताओ क्लियर है क्या सबको? मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, मेरे को एक डाउट है, मेरे को डाउट है, मैं पूछूं, मेरे को डाउट है। मान लो फायर फाइटिंग एक्सपेंस 30,000, सैलवेज वैल्यू 20,000 होता, सैलवेज वैल्यू 20,000 होता, अब क्या करते, अब क्या करते बताओ? मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं, एग्जाम में यही होगा आपके साथ, बस ये छोटा छोटा चेंजेस होगा, आप डर जाएंगे, आंसर मैच नहीं करेगा, डर जाएंगे। ठीक है, ये 5,10,000 हो गया। अब क्लेम के बारे में बताओ, क्लेम के बारे में, क्लेम के बारे में बताओ, एवरेज क्लॉज अप्लाई करेगा ये, क्योंकि स्टॉक 5 लाख का है, 3.5 लाख का पॉलिसी है, एवरेज क्लॉज अप्लाई करेगा, मान लिया। इशिका क्लेम निकालिए, क्लेम, क्लेम निकलेगा आपकी नॉलेज के हिसाब से 5 × 10 × 350 / 5 लाख, करेक्ट है? बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम सही है।
357। मैंने लॉस के हिसाब से क्लेम निकाला, क्लेम आ गया 357। बट मेरे बच्चे पॉलिसी 3.5 लाख की है, पॉलिसी 3.5 लाख की है, क्या इंश्योरेंस कंपनी 357 का क्लेम देगी? पॉलिसी वैल्यू 3.5 लाख की है, क्या 357 का क्लेम मिलेगा? नहीं। तो इसके बाद मुझे और एक लाइन लिखनी चाहिए, सिंस पॉलिसी वैल्यू इज रुपीज, या सम इंश्योर्ड लिखो, अच्छा लगता है वर्ड, सिंस सम इंश्योर्ड इज रुपीज 3,50,000, इज रुपीज 3,50,000, मैक्सिमम क्लेम विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू, मैक्सिमम क्लेम विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 350। उस केस में आपको 357 का क्लेम नहीं मिलेगा, 350 का क्लेम मिलेगा। आप क्लेम निकालोगे 357, बट नीचे एक लाइन लिखोगे, क्योंकि पॉलिसी वैल्यू या सम इंश्योर्ड 350 है, तो 350 से ज्यादा आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आप ये लाइन एक्स्ट्रा लिखोगे, एग्जाम में यही होता है, बस एक वर्ड चेंज करेगा, करना क्या है, 30 को 20 करना है, पूरा काया पलट हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चे यही छोड़कर आंसर आ जाएंगे, सर मेरा तो आंसर निकल गया था 357, फिर देखा अरे पॉलिसी 350 का था, तो मैं 357 निकालने के बाद 350 तक उस लॉस को रेस्ट्रिक्ट करूंगा। ये एक लाइन लिखूंगा मैं, शिवम वो कवर्ड है विद इन 350, उसके ऊपर कवर्ड नहीं है। फायर फाइटिंग कवर्ड है, फायर फाइटिंग को तो मैंने लॉस में इंक्लूड कर ही लिया ना, ये रहा कवर्ड है ना, ये मैंने तो लॉस में इंक्लूड किया ही है उसको, कवर्ड है इसीलिए तो इंक्लूड किया। बट जब मैं क्लेम मांगने जाऊंगा इंश्योरेंस कंपनी को, जैसे ही 350 से कुछ भी ऊपर बोलोगे ना, वो हाथ जोड़ लेगा, मैक्सिमम 350, उससे ज्यादा आमी दीते पार बोना। तो आपको भी अपना क्लेम रेस्ट्रिक्ट करना है 350 पर। अगर आप बोल रहे हो सर ऐसा नहीं होना चाहिए, फायर फाइटिंग भी मिलना चाहिए, फिर फायर फाइटिंग आप इधर क्यों इंक्लूड करते हो? लॉस स्टॉक के ऊपर निकालो, उसका क्लेम अलग निकालो, प्लस 30,000 फायर फाइटिंग और लो, वैसे क्यों नहीं करते हो? फायर फाइटिंग उस क्लेम की अमाउंट के अंदर इंक्लूड रहेगा, उससे ज्यादा क्लेम आपको नहीं मिलेगा। हर्ष या कौन था, शिवम, मैं तुम लोगों को बस इतना ही सिखाना चाहता हूं, अगर किसी क्वेश्चन के आंसर को देखकर आपको लगता है कुछ और सीखा जा सकता है, प्लीज सीखने की कोशिश करें हमेशा, बिकॉज अनलिमिटेड या इनफाइनाइट सम सॉल्व करना इज नेवर पॉसिबल। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा बात तो अलग हो ही सकता है। क्लियर है क्या शिवम? क्लियर है क्या एवरीवन? फटाफट हां या ना बोलो। अगर क्लियर है तो अब मैं असली झोल में जाऊंगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। गायब होने से नहीं होगा। चिलमिल का क्वेश्चन है, क्या पॉलिसी सिंगल एक्सीडेंट के बाद लॉस हो जाता है? नेवर। आपका पॉलिसी का जो मैक्सिमम कवरेज है वो कम होते जाएगा, बट आपका पॉलिसी लैप्स नहीं होता है, आपको रिन्यू नहीं कराना पड़ता है, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तक जिंदा रहता है। चलिए गुड। अब आप मेरे साथ पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 6, और इसके बाद हम लोग इस पूरे ज्ञान का फाइनल ज्ञान लिखेंगे कॉपी में। पहले मैं एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन 6 आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको अच्छे से लिखाऊंगा कि डिफेक्टिव या डैमेज गुड्स होने से हम लोग ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। पहले मैं चाहता हूं आपको प्रैक्टिकली समझा दूं, उसके बाद अच्छे से लिखवाऊं। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 39। क्या आप लोग खुद से पढ़ना चाहेंगे?
मैं चाहता हूं एक बार क्वेश्चन आप खुद रीड करें, 2 मिनट का समय देता हूं, 2 मिनट आप खुद रीड करो। रीड बोला, रीड, बनाना शुरू मत करना प्लीज, रीड करना, क्योंकि बनाना शुरू करोगे इधर उधर बेकार की गलतियां करोगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। मेरे साथ बनाना, रीड करो सिर्फ क्वेश्चन को। रीड कर लिया आपने, अब मैं पढूं। मैंने कुछ कुछ मार्क किया आपके लिए। 19 मई को आग लगा, सबसे पहले जो चार डिटेल दिया हुआ है वो लास्ट ईयर का डेटा, लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, परचेज सेल्स। ये वर्ड ना, ये वर्ड कट कर दो, क्योंकि अगर ये वर्ड होगा तो फिर बात बदल जाएगी। ये वर्ड कट कर दो, ये गलत वर्ड दिया हुआ है। इंटरप्रिटेशन जो हम करेंगे वही दिया हुआ है, वर्ड वर्ड गलत दिया हुआ है। वर्ड कट कर दो आप। फिर इस साल का परचेज, इस साल का सेल्स, ठीक है। इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2010, मतलब ये जो हमने स्टॉक की वैल्यूएशन की 31 दिसंबर 2010, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, 1150 had been written off on certain stock which was a poor selling line having cost 3450. उन goods का cost था 3450, abnormal goods cost था 3450, उसको हमने write off कर दिया था last year। write off कितना write off किया, 1150 write off किया, तो इसका value क्या बचा last year, value 2300 का वैल्यू बचा होगा जब हमने लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया। 3450 का कॉस्ट था, 1150 हमने राइट ऑफ किया, तो वैल्यू बचा होगा 2300 लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में। यानी अगर मैं बात करूं इसका दो पार्ट्स, नॉर्मल एबनॉर्मल, मेरे को कोई बच्चा बता पाएगा इस वैल्यू के अंदर, इस वैल्यू के अंदर नॉर्मल गुड्स का वैल्यू कितना है, एबनॉर्मल गुड्स का वैल्यू कितना है, फटाफट। प्लीज फटाफट बताएं, 39800 में कितना नॉर्मल गुड्स का वैल्यू है, कितना एबनॉर्मल गुड्स का वैल्यू है। मैंने आपको बोला है आपको मेरे साथ करना है, मैं अगर बोल दूं मेरे साथ करना है मतलब मेरे साथ, नहीं तो आप गलती करोगे, मेरी बात मान लो।
वेरी गुड झिलमिल, 37,500 नॉर्मल और 2,300 एबनॉर्मल, जिसका कॉस्ट है 3,450, जिसका कॉस्ट है 3,450। क्या सारे बच्चे मेरी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, यस और नो? वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड रिचा, वेरी गुड यश, सारे बच्चे इस बात को एक्नॉलेज करते हैं। आगे चलता हूं। अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स, पोर्शन पोर्शन पूरा नहीं, अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वॉज सोल्ड इन मार्च 2011, आग लगा मई में, मई से पहले बिक चुका है, एट अ लॉस ऑफ 125 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1725। जो उस जिस गुड्स का कॉस्ट था 1725, उसको 125 रुपए के लॉस में, 125 रुपए के लॉस में हमने बेच दिया। यानी अगर सेल की बात करो, सेल उन गुड्स का कॉस्ट है 1725, मैं वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, कॉस्ट बोल रहा हूं, हमने लॉस पर सेल किया, लॉस 125, तो मेरा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकल के आ गया 1600, मेरा सेलिंग प्राइस निकल के आ गया 1600। देखो वर्ड क्या यूज किया, वर्ड यूज किया एट अ लॉस ऑफ 125 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, एट अ लॉस ऑफ 125 ऑन वैल्यू नहीं बोला, 125 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। अगर ओरिजिनल कॉस्ट 1725 है और 125 का लॉस उसके ऊपर हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा, 1600, सेलिंग प्राइस निकल गया 1600। आगे, द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वॉज नाउ वर्थ टू बी एस्टिमेटेड, नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट। अब जो बचा हुआ स्टॉक है ना एबनॉर्मल वाला, अब वो ओरिजिनल कॉस्ट के बराबर आ चुका है, मतलब उसका वर्थ जो है वो उसके कॉस्ट के बराबर आ चुका है। ये जो लाइन दिया है, मतलब ये बोलना चाहता है कि जब हम लोग क्लेम करेंगे, हम लोग क्लेम करेंगे, हम लोग एबनॉर्मल गुड्स को, एबनॉर्मल गुड्स को कॉस्ट पर कंसीडर करेंगे, कॉस्ट पर कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये जो गुड्स बचा हुआ है ये अब अपने अपने ओरिजिनल कॉस्ट की वर्थ के बराबर है। यानी इसको अगर आज बेचा जाए तो जो उसका कॉस्ट है वो उठा सकते हैं। तो जब हम लोग लॉस निकालेंगे, क्लेम कैलकुलेट करेंगे, हम लोग भी ओरिजिनल कॉस्ट पर बात करेंगे, हमें रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आगे, सब्जेक्ट टू अबव एक्सेप्शन ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेन्ड एट अ यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट। इसको छोड़ के जो जीपी है वो ग्रॉस प्रॉफिट यूनिफॉर्म सेम रेट पे है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट नहीं दिया, क्यों पता है, वो लास्ट ईयर के डेटा से निकल जाएगा, बट बोला है ग्रॉस प्रॉफिट यूनिफॉर्म है। द स्टॉक सैलवेज वॉज 2900, जो स्टॉक सैलवेज हुआ उसका 2900 वैल्यू है। शो द अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर दी पीरियड दिस फॉर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइटम्स। मतलब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनेगा दो कॉलम में बनेगा, सिर्फ नॉर्मल का बनाने से नहीं होगा, नॉर्मल भी बनाना है, एबनॉर्मल भी बनाना है, हम लोग ऐसे भी बनाते, नहीं भी बोलता। तो ये हमको क्वेश्चन दिया है, वेरी गुड झिलमिल, झिलमिल बोल रही है कि सर जो एबनॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक बचा है ना वो भी 1725 आएगा। कैसे सर, 3450 का गुड्स था कॉस्ट 3450, उसमें 1725 का कॉस्ट का गुड सेल हो गया, 1725 का गुड सेल हो गया, तो सर जो बचा हुआ है वो भी कितना होगा, 1725 होगा। आप माइनस करोगे आपको दिख जाएगा, वेरी गुड झिलमिल। हाँ यश, आप ये बोल सकते हो, बट मैं इसमें दो मिनट बाद आपके साथ बात करूंगा, वो जब आप मेरे से झगड़ा करोगे ना तब मैं आपकी बात मानूंगा, जब तक झगड़ा नहीं करोगे मैं बात नहीं मानूंगा। क्वेश्चन सिक्स में आ जाओ, वर्किंग नोट वन, ट्रेडिंग अकाउंट क्या निकालना है हमको, जीपी मार्जिन ऑफ नॉर्मल गुड्स फॉर ईयर एंडेड 31/12/2010। अब देखो कहां कहां गलती होगा, हड़बड़ी नहीं करके मेरे साथ चलना। ये सिर्फ नॉर्मल गुड्स का बनाऊंगा, ये सिर्फ नॉर्मल गुड्स का बनाऊंगा, नॉर्मल गुड्स का। एबनॉर्मल गुड्स का ट्रेडिंग अकाउंट लास्ट ईयर का नहीं बनाना, मेमोरेंडम दोनों का बनाना है। ट्रेडिंग जो जीपी मार्जिन निकालेंगे वो सिर्फ नॉर्मल का।
मल्लिका, अगर पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो जितना लॉस है उतना हम लोग क्लेम मांग लेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्लेम इक्वल टू लॉस, अज्यूमिंग फुल्ली इंश्योर्ड। आ जाओ टू ओपनिंग स्टॉक, हड़बड़ाना मत प्लीज, हड़बड़ाना मत। टू परचेजेस, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। मेरे को सिर्फ नॉर्मल गुड्स के ऊपर ज्ञान चाहिए, मैं चाहूंगा आप लोग स्टार्ट करें क्लोजिंग स्टॉक से, हड़बड़ी ना करें, क्लोजिंग स्टॉक से स्टार्ट करें। झिलमिल बिल्कुल सही बोल रही है सर, लास्ट ईयर एबनॉर्मल गुड्स को सेल ही नहीं हुआ, वेरी करेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक आपने बोला था सर, नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आप ले लो 37,500, कैसे 39,800 माइनस 39,800 माइनस 2,300, ये 2,300 कैसे आया, 3,450 माइनस 1,150, मैं जैसे लिख रहा हूं आपको भी लिखना है, ये सिखा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं। हो गया ठीक है, 37,500 लास्ट ईयर का सेल्स दिया हुआ है 243,500, ये मैं पूरा क्यों लिख पाया बताएं, लास्ट ईयर कोई एबनॉर्मल गुड सेल नहीं हुआ, एबनॉर्मल गुड सिर्फ इस साल सेल का इंफॉर्मेशन है। सर मान लो अगर लास्ट ईयर भी कुछ सेल्स का इंफॉर्मेशन देता तो मैं यहां से लेस कर देता और नॉर्मल गुड्स का निकाल लेता, मैं लेस कर देता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं था। नेक्स्ट परचेजेस लास्ट ईयर का 199, इसमें भी सब नॉर्मल गुड्स है, कोई एबनॉर्मल गुड्स का ज्ञान नहीं है। अब लास्ट बचा ओपनिंग स्टॉक, मैक्सिमम बच्चे ओपनिंग स्टॉक यहां लिखेंगे 36,750, मेरे बच्चे ये गलत है, अगर ये सही है तो फिर ये गलत है। क्या मतलब सर, मेरे बच्चे अगर क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में कुछ बेकार गुड्स है तो वो क्लोजिंग स्टॉक में जो गुड्स है वो कभी ना कभी तो आपके पास आया होगा, या तो आपने इस साल खरीदा है या पुराने से आपके पास चलते आ रहे हैं, दो में से कोई अजम्पशन लो, मेरे को दिक्कत नहीं है, बट वो गुड्स आपके ओपनिंग स्टॉक या परचेज दोनों में से किसी एक जगह होना चाहिए। यानी 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 आप सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक से हटाओगे तो काम नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा जो गुड्स यहां क्लोजिंग स्टॉक के अंदर है वो कभी ना कभी तो हमने परचेज किया होगा, क्योंकि ये स्लो मूविंग आइटम है। मैं मानता हूं मैंने 2-3-4 साल पहले खरीदा था, अभी तक नहीं बिका इसीलिए वैल्यू कम हो गया, आप चाहो तो मान लेना उसी साल परचेज हुआ, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं मानूंगा ओपनिंग स्टॉक में ये गुड्स था। अब मेरे को बताओ ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा, देखो इशिका आपने ये गलती कर दी होगी, इशिका आपने ये गलती कर दी होगी, ध्यान देना इस गलती पर, अगर यहां क्लोजिंग स्टॉक है एबनॉर्मल गुड्स का तो ये या तो ओपनिंग स्टॉक में या तो परचेज में, अगर स्टॉक आया होगा तभी ना वो क्लोजिंग स्टॉक में बचा होगा, आए बिना क्लोजिंग स्टॉक में कैसे बच जाएगा। झिलमिल इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड, झिलमिल ने ओपनिंग स्टॉक बढ़ा दिया, वापस और ऐड कर दिया, ऑलरेडी स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड है झिलमिल। जो बच्चे शांत हैं वो बच्चे गलत कर रहे हैं, अभी मैं उनसे बात करना चाहता हूं तुमसे, अगर तुम लिख रहे हो तो तुम बेवकूफी कर रहे हो मेरे बच्चे, हड़बड़ा मत। वेरी गुड, बच्चे बोल रहे सर 33,300, कैसे सर 36,750, और उन गुड्स का कॉस्ट था 3,450, तो 36,750 माइनस 3,450 33,300। सर 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 यहां पे सर 2,300 माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं आप 2,300, मेरे बच्चे जब गुड्स खरीदा था
हमने इस साल की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करते समय उसको गिराया, जब खरीदा था तब तो वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही खरीदा था ना, तो सिर्फ इस साल की वैल्यूएशन में कम हुआ है, ओपनिंग स्टॉक या परचेज में तो वो कॉस्ट पर ही रहा होगा। कर सकते हैं यश? यश बोल रहा है सर इस साल भी तो खराब बन सकता है। बिल्कुल, उस केस में मैं क्या करता, 199 माइनस 3450 ओपनिंग स्टॉक पूरा आ जाता, परचेज से मैं लेस कर देता। बिल्कुल कर सकते हो यश, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक। दीपेंद्र गलती कर रहे हो, 2300 माइनस नहीं होगा। यस हर्ष, ओपनिंग या परचेज में किसी एक से माइनस कर सकते हैं, वो भी 3450 नॉट 2300। झिलमिल डिफरेंस क्रेडिट नहीं होगा, मैंने सिर्फ एबनॉर्मल को हटाया है, अब एबनॉर्मल का कोई अंश नहीं है। जब लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बना होगा ना, ट्रेडिंग, उसमें ये ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्ट हुआ होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में। अभी तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ नॉर्मल का ही निकाल रहा हूं, तो मेरे को 1150 का कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एबनॉर्मल को सिर्फ एलिमिनेट किया है, अब मेरे को उसका कुछ करने का जरूरत नहीं है। चलिए अब जीपी निकालिए आप। खुशी, यही मैं बोल रहा था, ध्यान देने का, ध्यान इधर ध्यान दो। अब नॉर्मल गुड्स का कॉस्ट था 3450, हमने बोला 1150 राइट ऑफ किया, राइट ऑफ, तो जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकला होगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, उसमें तो वैल्यू क्या आया होगा, राइट ऑफ करके आया होगा, तो वो वैल्यू इंक्लूडेड था 2300 रुपए। तो जब मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक, वहां पर वैल्यू 2300 इंक्लूडेड है, क्योंकि 1150 हमने राइट ऑफ किया था। बट जब मैं देखूंगा वो गुड्स खरीदा तब क्या वैल्यू था, जब खरीदे थे तब तो उस गुड्स का वैल्यू कॉस्ट था, उस गुड्स का वैल्यू 2300 नहीं था, 2300 तो हमने सिर्फ लास्ट ईयर उसको राइट डाउन किया था। राघव सुनना, ये 1150 राइट ऑफ कब हुआ? सर 1150 लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जब वैल्यू कर रहे थे, लिखा है, लिखा है, लिखा है, ऑन 31 दिसंबर 2010 जब हम वैल्यू कर रहे थे तब राइट ऑफ हुआ था। उससे पहले तो इन गुड्स का कॉस्ट 3450 था ना, अगर उससे पहले गुड्स कॉस्ट 3450 था तो यहां से जब एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट 3450 होगा। यस विनीत, बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर परचेज कुछ किया उसमें अबनॉर्मल आइटम है तो परचेज से भी माइनस करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक से तो हटाना ही है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल गुड्स का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। रिचा राघव और खुशी, रिचा राघव खुशी, क्लियर है क्या? मैं यही बोल रहा था, मेरे साथ चलिए, क्योंकि मुझे पता है कहां दिक्कत आएगी आपको। क्लोजिंग स्टॉक जब वैल्यू हुआ था तब हमने राइट ऑफ किया था, उससे पहले तो वो गुड्स हमने कॉस्ट में ही परचेज किया होगा, तो जब मैं ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक से हटाऊंगा तब परचेज कॉस्ट हटाऊंगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक से हटाऊंगा वो उतना ही हटा पाऊंगा जितना वैल्यू इंक्लूडेड है। यश यश यश, अगर इस साल के क्लोजिंग स्टॉक से लेस नहीं करते आप
तो आपका ये जीपी सही नहीं आता और आपका परसेंटेज गलत हो जाता है, इसीलिए लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में तो अलग होगा ही, अभी भी लेस करना होगा। हड़बड़ाओ मत, कोई हड़बड़ी करने का जरूरत नहीं है, कोई हड़बड़ी करने का जरूरत नहीं है। रिचा, राघव, खुशी, क्लियर है क्या आपको? खुशी बोल रही है ठीक है सर, ठीक है मतलब उसको पूरा अच्छे से नहीं घुसा अंदर, वो सिर्फ सर को बोलने के लिए हां सर ठीक है, हम कंप्लीट करते हैं फिर देखेंगे। ठीक ऐसे होबे ना, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करना है आपको। चलिए आगे चलता हूं, मैं वापस आऊंगा, अभी तो और कंफ्यूजन बाकी है मेरे दोस्त। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, खुशी घर पे नहीं क्लास में ही करना होगा, मैं अभी क्लास में करवा दूंगा, टेंशन नको, टेंशन नको। एक तो इतना जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर इतना जल्दी आप डाउन हो जाते हैं बैटरी। एजी एनजी क्या है सर? एजी ओजी तो सर वो है, नहीं नहीं एनजी एजी क्या है बताओ? ओके अभी कुछ लिंक ना करें, मैं खुद करवा दूंगा लिंक, टाइम से मैं खुद करवा दूंगा। गुड आ जाओ, अब देखो नेक्स्ट कंफ्यूजन, मेरे ओपनिंग स्टॉक लिखते ही तुम मेरे पे चढ़ जाओगे, मेरा ओपनिंग स्टॉक लिखते ही तुम सारे मेरे पे चढ़ जाओगे। सर 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 आप गलत लिख दिए सर, 3450 नहीं होगा, 2300 होगा सर, हमने लास्ट ईयर राइट ऑफ किया था ना मेरे बच्चे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट निकालने के लिए बना रहा है क्या? प्रॉफिट निकालने के लिए बना रहा है? नहीं सर, हमको तो स्टॉक का वैल्यू चाहिए। स्टॉक का वैल्यू अगर चाहिए तो कॉस्ट के हिसाब से चल, हिसाब इजी रहेगा। अगर तू रियलाइजेबल वैल्यू पे जाएगा, तेरे को 2 साल का ध्यान रखना होगा, लास्ट ईयर कितना नुकसान, इस साल कितना नुकसान। अगर कॉस्ट के हिसाब से जाएगा, सीधा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा, कुछ सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहां पर बच्चे नॉर्मली 2300 का रेफरेंस ले लेते हैं, मैं तुमको 2300 के हिसाब से भी बना के दिखाऊंगा, हड़बड़ाओ मत। पहले मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे लिए इजी कर रहा हूं। इंस्टीट्यूट भी यही करता है, इंस्टीट्यूट बोल रहा है जब फाइनली मेरे को गुड्स को कॉस्ट पे वैल्यू करना है तो मैं क्यों ना इनिशियली मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट से ही शुरू करूं, मैं क्यों उसको 2300 यानी रियलाइजेबल या एनआरवी पे स्टार्ट करूं? So this memorandum trading account is not for the purpose of profit. This is for the purpose of valuing the cost of stock lying in the godown. तो मैं यहां पे 3450 ले रहा हूं, मैं यहां पे 2300 नहीं ले रहा। अब देखो कितना सिंपल हो जाएगा, देखो ना कितना सिंपल हो जाएगा, एकदम सिंपल सिंपल बात करूंगा। परचेज, अभी एक बार कोई डाउट मत पूछो, सिर्फ मेरे साथ चलो। इस साल के परचेज में कोई बेकार परचेज नहीं है, कुछ बोला नहीं। वेरी गुड वेरी गुड, हर्ष एक बात बोल रहा है वेरी गुड, बट उसमें मैं कुछ सही करना चाहूंगा।
इस साल का सेल्स 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 टोटल 115,600 है और कुछ एबनॉर्मल गुड्स भी बिका है, एबनॉर्मल गुड्स भी बिका है, कितने में बिका है, एट अ लॉस ऑफ 125 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, एट अ लॉस ऑफ 125 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1725, 1725 माइनस 125। तो मेरे को बताओ नॉर्मल सेल्स कितना होगा, नॉर्मल सेल्स कितना होगा, टोटल सेल्स 115,600, उसमें 1600 हो गया एबनॉर्मल, 125 लॉस पे बिका है जिसका कॉस्ट था 1725, तो 1600 हो गया एबनॉर्मल गुड्स का सेल्स, तो मेरा नॉर्मल गुड्स का सेल्स कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, नॉर्मल गुड्स का सेल्स हो गया 1,14,000। अब मेरे को क्या निकालना है बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट। नॉर्मल में तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा बट जो एबनॉर्मल गुड्स बिका है वो तो लॉस पे बिका है, वो ग्रॉस लॉस आएगा। इस बार ग्रॉस दो जगह दिखाई दे रहा है, नॉर्मल गुड्स प्रॉफिट पे बिक रहा है, एबनॉर्मल गुड्स लॉस पे बिक रहा है। ध्यान से, नॉर्मल गुड्स का प्रॉफिट था 20%, नॉर्मल गुड्स का प्रॉफिट था 20% और एबनॉर्मल गुड्स पे लॉस हुआ 125। हर्ष 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 1150 लॉस नहीं होगा, 125 लॉस होगा, चेक करो। विनीत बता रहा हूं, कोई हड़बड़ी नहीं है, रुक जाओ। मैंने बोला, मेरे को क्वेश्चन ने बोला है कि जो अबनॉर्मल गुड्स बचा है उसको आप कॉस्ट पर वैल्यू कीजिएगा। अगर मेरे को फाइनली गुड्स कॉस्ट पर वैल्यू करना है तो क्यों ना मैं ये ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट पर ही पूरा बना लूं और मेरे फाइनल गुड्स का फिगर अपने आप किस पर निकल जाएगा, कॉस्ट पर निकल जाएगा। डन। अब निकालो क्लोजिंग स्टॉक और देखो जादू। अब निकालो क्लोजिंग स्टॉक और देखो क्या आता है, वो जो आपने पहले बोला था झिलमिल देखो, वो आया क्या। अगर मैं नॉर्मल गुड्स का निकालूं, नॉर्मल गुड्स का, यश बताऊंगा अगर वो लेते तो प्रॉफिट क्या लिखते, बताऊंगा, दो मिनट दो यश। विनीत दो मिनट बाद आपका ये डाउट लेता हूं कि अगर कॉस्ट पे निकालना है तो कॉस्ट पे ले लो, नहीं बोला तो एनआरवी ले लो, दो मिनट बाद समझाता हूं। पहले आप ये वाला चीज एक बार लिखो और मेरे को एक्सप्लेन करने दो, फिर मैं सिखाता हूं अगर मैं एनआरवी पर लेता जो तुम सोच रहे हो तो कहां कहां तुम गलतियां करते। मैं अभी क्लेम के लिए आगे नहीं बढ़ रहा हूं क्योंकि वो तुम निकाल दोगे, मेरे को भरोसा है। जब तक यही सही नहीं होगा क्लेम कहां से निकालूंगा, मैं क्लेम में हड़बड़ी नहीं करूंगा, सुनना मेरी बात। मैंने बोला नॉर्मल गुड्स में तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, मैं 100% ये मान रहा हूं। एक बार यस और नो बोलो, नॉर्मल गुड्स के ट्रेडिंग अकाउंट में किसी को दिक्कत है क्या। एक एक करके चलता हूं, नॉर्मल गुड्स के ट्रेडिंग अकाउंट में किसी को दिक्कत है क्या, यस और नो बोलो। वर्किंग में जो ट्रेडिंग बनाया हूं, ट्रेडिंग, इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग मत बोलिए साक्षी, सिर्फ ट्रेडिंग बोलिए लास्ट ईयर का, ये नॉर्मल गुड्स का है, नॉर्मल गुड्स का, नॉर्मल में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब नॉर्मल में आता हूं, एबनॉर्मल में सबका सबसे पहला डाउट यह है,
सर आप यहां पे 2300 लेकर क्यों नहीं चल रहे हो? क्योंकि हमने सर लास्ट ईयर वैल्यू 2300 की थी, तो आपको भी जब ट्रेडिंग लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगर 2300 है तो सर इस साल का ओपनिंग स्टॉक भी 2300 होना चाहिए। मैं बोला चल तेरी बात सुन के काम करता हूं, आ जाओ तुम, आ जाओ अब तुम मेरे को हेल्प करो कैसे बनाऊं एबनॉर्मल गुड्स का ट्रेडिंग अकाउंट, आ जाओ तुम बताओ। टू ओपनिंग स्टॉक लिख दिया मैंने 2300, परचेज कुछ हुआ नहीं इस साल, कोई एबनॉर्मल गुड्स परचेज नहीं हुआ, बाई सेल्स 1600, अब तुम बताओ मैं कैसे करूं काम। बाई सेल्स 1600, 1725 का माल 125 लॉस में बिका। अब अगर काम करने जाओगे ना, काम तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सुनना क्या होगा, आप सुनना, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं सुनना। 3450 का गुड्स था, ये कॉस्ट था, इसमें से 1725 कॉस्ट का गुड सेल हो गया, मतलब 50% गुड सेल हो गया। 50% निकालो, 50% आ जाएगा, कितने में सेल हुआ, 1600 में। अगर मैं कॉस्ट पर काम करूंगा, कॉस्ट पर, तो लॉस 125 एक झटके में निकल जाएगा, विदाउट डूइंग एनीथिंग सीधा निकल जाएगा। बट अगर यहां पे आप 2300 के हिसाब से वैल्यूएशन करते हो तो मैं यहां से कंपेयर करके लॉस नहीं निकाल पाऊंगा, पहले मेरे को इस 50% का कॉस्ट निकाल वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर मैं 50% का वैल्यू निकालूं तो उसका वैल्यू होगा 2300 का 50%, 1150, 2300 का 50%, आधा गुड्स बिक गया 1150, 1150 का गुड्स बिका 1600 में, तो मेरा पहला ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1150 और 1600 का डिफरेंस 450, कितना आ गया 450। जो हमारा फ्रेंड, हमारा फ्रेंड कौन था, मैं थी, तुम थी, कौन था, नहीं नहीं कोई था, हाँ यश बोल रहा था कि सर 450 का प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। मैंने लिख दिया 450 का प्रॉफिट। सर एक बार वापस बोलो, वापस बोलो सर, बहुत मैथ्स हो गया। सुनना, 3750 का, 3450 का गुड्स हमने 2300 पर वैल्यू किया, लिख दिया आपने, ठीक है। अब इसमें से कुछ गुड्स बिका, जो गुड्स बिका है ना उसका वैल्यू नहीं बताया, उसका कॉस्ट बताया, बोला 1725 का कॉस्ट का गुड्स 125 लॉस पे बिका, तो सेल वैल्यू तो मिल गया। अब अगर मेरे को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना, जो गुड्स बिका है, मेरे को पहले उसके कॉस्ट को वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहां पर मैंने वैल्यू ले लिया 2300। डिफिकल्ट नहीं है, 3450 में से 1725 बिक गया, 50% बिक गया, मतलब 2300 का 50% बिक गया, तो 1150 का वैल्यू हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 1600, लॉस हो गया 450, प्रॉफिट हो गया 450। अब दूसरा बात, जब मैं यहां क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा, क्लोजिंग स्टॉक बोला जो बचा हुआ गुड्स है वो अपनी कॉस्ट पर ही वैल्यू होगा, और उन गुड्स की कॉस्ट पता है कितना है, 3450 में 1725 सेल हो गया, तो बचा हुआ गुड्स का कॉस्ट है 1725, इसका भी आपको प्रॉफिट यहां पे लेना होगा, क्योंकि उसको भी लास्ट ईयर वैल्यू किया था हमने 1150 पर, अब जाके वैल्यू बढ़ गया 1725। अब तुमको जीपी बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा, अब तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। अगर कोई नॉलेज रखता है तो वो क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकता है, कैसे, सर 1150 वैल्यू है, 1725 वापस उसका कॉस्ट है, और बोल रहा है अब कॉस्ट जितना वो रियलाइज कर पाएगा, तो सर मेरे को पुराना वाला लॉस को रिवर्स करना होगा और उस प्रॉफिट को भी रिकॉग्नाइज करना होगा। मेरे बच्चे अगर 2300 लिख दिया ना तो तुम कैलकुलेशन ही नहीं बैठा पाएगा, क्योंकि सारा कैलकुलेशन दिया है कॉस्ट के बेसिस पे, और बोला है फाइनल बचा हुआ गुड्स भी कॉस्ट पे वैल्यू करो। इसीलिए मैंने सिर्फ एक चेंज किया जो तुमको नहीं पचा, मैंने सिर्फ ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 2300 की जगह कॉस्ट पे ले लिया, ताकि मैं सब कुछ कैलकुलेशन करके क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पर कैलकुलेट कर सकूं। मेरे को जीपी चाहिए ही नहीं, ये ट्रेडिंग अकाउंट मेरे को थोड़ी किसी को दिखाना है, ये ट्रेडिंग अकाउंट मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए बना रहा हूं, तो मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट सही हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है।
3300 करते ही, यस हर्ष, हर्ष बोल रहा है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी एनआरवी कंसीडर नहीं करेगा इसीलिए, यस हर्ष आप बोल सकते हो इसीलिए, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोल दिया जो बैलेंस गुड्स है वो कॉस्ट, अब कॉस्ट के वर्थ के बराबर है, यानी वो कॉस्ट रियलाइज कर सकता है, तो मतलब इंश्योरेंस कंपनी कॉस्ट का क्लेम आपको देगी। यस हर्ष रुंगटा आपने बिल्कुल सही बोला, एबनॉर्मल गुड्स को भी कॉस्ट पे ले जाएंगे। यस झिलमिल आप सही बोल रहे हो, अगर चीजें कॉस्ट पर नहीं आती, अगर चीजें रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से चलती तो हम लोग 2300 ले सकते थे, बट क्योंकि सारी चीजें कॉस्ट पर आ चुकी है, अब अगर मैं 2300 ले लेता हूं मेरा कैलकुलेशन और डिफिकल्ट हो जाएगा, मेरे को और ज्यादा सोचना पड़ेगा रैदर देन डूइंग 3450। खुशी 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 खुशी, रिचा, श्वेतम, Y3450 समझ में आया, टू मेक द कैलकुलेशन इजी, टू मेक द कैलकुलेशन इजी, वेरी गुड विनीत। विनीत एक बार बोल रहा है मतलब सर नॉर्मल ट्रेडिंग और मेमो ट्रेडिंग को सेम नहीं देखना है, बिल्कुल दोनों का इंफॉर्मेशनल नीड अलग है, इसीलिए दोनों थोड़ा सा अलग तरीके से बन रहा है। अभी भी तुमको अगर थोड़ा सा डाउट है रुको ना, हम लोग अभी पूरा अंदर तक जाएंगे इसके। आओ मेरे साथ इधर आओ, तुम लोगों को और कुछ दिखाता हूं, इधर आओ, हड़बड़ी मत करना, बीच में कुछ बकवास मत करना, बिकॉज दीज थिंग्स आर समथिंग जो कॉन्सेप्चुअल लेक्यूना रख देते हैं लाइफ भर के लिए, एग्जाम में फिर बनता नहीं है। मैं इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं, देखना तुम आराम से। ये देखो ये सेम क्वेश्चन है, सारे बच्चे एक बार चेक करो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब देखो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट बना के 48700 प्रॉफिट निकाल लिया। सर इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से किया है, इन्होंने क्या किया है, बोला कि अगर राइट ऑफ नहीं होता तो एबनॉर्मल गुड्स बिल्कुल नॉर्मल गुड्स जैसा होता, तो राइट ऑफ अगर नहीं होता तो क्या होता, वही निकाल लो, एकदम सेम वही आ गया। इन्होंने 1150 जो माइनस हुआ था उसको एड बैक कर दिया, अब सब नॉर्मल गुड जैसा हो गया, उसके बाद प्रॉफिट निकाल लिया। हमने क्या किया, दोनों साइड से एबनॉर्मल को हटा दो तो नॉर्मल हो गया, उसके हिसाब से प्रॉफिट निकाल लिया, आंसर बिल्कुल 20% आया है। अब देखो क्या लिखा, अब देख ध्यान से क्या लिखा, एबनॉर्मल आइटम्स का ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू देख, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 3450, उसके ऊपर एक स्टार है, स्टार नीचे पढ़ क्या लिखा, एट कॉस्ट बुक वैल्यू 2300, मतलब वो तुमको ये बोल रहा है हमने इसको कॉस्ट पे दिखाया है, बुक वैल्यू 2300 है, जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल सही है, बट हमने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 2300 दिखाया। इधर 1725 में आओ, बुक वैल्यू विल ऑल्सो बी रीस्टोर्ड फॉर रिमेनिंग अनसोल्ड स्टॉक सिंस द रिमाइंडर स्टॉक विल नाउ बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। बोल रहा है बुक वैल्यू को हमने रीस्टोर कर दिया 1725 पे, क्योंकि जो रिमाइंडर स्टॉक है अब वो ओरिजिनल कॉस्ट जितना, अब वो ओरिजिनल कॉस्ट जितना फेच करेगा, तो हमने उसको कॉस्ट से ही निकाल लिया सीधा, हमने बेकार 2300 करके कैलकुलेशन को पेचीदा या कैलकुलेशन को गंदा नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 17, हर्ष क्वेश्चन नंबर 17 में
वो लोग बोल रहा है स्टॉक को हमने 90% पर वैल्यू किया है, ये जरूरी नहीं है कि वो 10% जो है वो एबनॉर्मल गुड्स के कारण है, वैसा क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला है। तो हमने बोला था ये उनकी एक गलती हो गई है कि उन्होंने कॉस्ट को स्टॉक को अंडर वैल्यू करके रखा है, इसीलिए हमने स्टॉक की वैल्यू सही की, हमने वहां पर एबनॉर्मल गुड्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक से इसलिए हटा दिए, हमने क्लोजिंग स्टॉक से भी हटाया, सुनो, हमने ओपनिंग स्टॉक से भी हटा दिया। इसलिए हटाया क्योंकि हमने बोला जो जीपी मार्जिन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, जीपी मार्जिन, वो जीपी मार्जिन किसका है? नॉर्मल गुड्स का। अगर नॉर्मल गुड्स के लिए जीपी मार्जिन निकालना है तो हर जगह से एबनॉर्मल गुड्स को साइड कर दो, जो बचा वो नॉर्मल गुड्स का, उसके हिसाब से जीपी मार्जिन कैलकुलेट कर लो। हमने इसलिए एबनॉर्मल गुड्स को हटा दिया। आप वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो वाला थिंकिंग ना आपके क्वेश्चन नंबर 10 और 15 को मैच करता है कि अगर मुझे जीपी निकालना है नॉर्मल गुड्स का तो मेरे को इंफॉर्मेशन से एबनॉर्मल गुड्स को एलिमिनेट कर देना है। देखो क्लियर है क्या आपको? मैंने इंस्टीट्यूट का आंसर इसलिए आपको दिखाया ताकि आपके मन में संदेह ना रहे कि बुक वैल्यू तो 2300 है, सर ने 3450 क्यों लिखा, क्योंकि आगे जाकर जो वैल्यूएशन होने वाली है कॉस्ट पर, सो टू मेक्स थिंग इजी हमने उसको कॉस्ट पर ले लिया ताकि आगे जाके वो प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 में भी लोअर वर्ड यूज था, आप उस लोअर को वैसे भी लोगे तो चलेगा, अगर आप उसकी वैल्यू बढ़ा दोगे, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, वो 20,000 पर ही सेल हुआ है, प्रॉब्लम कहां हुआ, झिलमिल बात समझने की कोशिश करें, वहां पर भी वर्ड था कि लोअर देन कॉस्ट वैल्यू हुआ है, तो सर वहां पे आपने वो वाला काम क्यों नहीं किया कि आपने उसको सही वैल्यू पर आप ले गए, क्योंकि बोला एट नेट वैल्यू सब्सिक्वेंटली रियलाइज, मतलब वो जब सेल हुआ तो पूरे प्रॉफिट पर सेल नहीं हुआ, वो सेल भी 20,000 पे ही हुआ, इसीलिए हमने उसको एबनॉर्मल मान के दोनों जगह से एलिमिनेट किया था। चलो लॉस और क्लेम कैलकुलेट करो, लॉस और क्लेम कैलकुलेट करो। वेरी गुड डिस्कशन, थैंक यू सो मच, आप डटे रहे, लड़ते रहे। चलो बताओ वैल्यू ऑफ स्टॉक दोनों का ऐड करके बताओ, दोनों का ऐड करके 27,300 प्लस 1725 लेस सैलवेज। इशिका बिल्कुल सही, अगर ये बोलता सही ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, सही प्रॉफिट निकालो, तो मैं 2300 के हिसाब से काम करता, क्योंकि ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है, मैं 3450 के हिसाब से चल रहा हूं। सैलवेज वैल्यू बताइए 2900, क्लेम पॉलिसी वैल्यू दिया नहीं है, सिंस पॉलिसी वैल्यू नॉट गिवन इन क्वेश्चन, मैक्सिमम क्लेम इक्वल टू वैल्यू ऑफ लॉस इक्वल टू 26,125। क्या क्वेश्चन 6, मैं हड़बड़ी नहीं करा रहा हूं, आज मैं इस पर कोई होमवर्क नहीं दूंगा, लिखाऊंगा भी नेक्स्ट क्लास के बिगिनिंग में ताकि हम लोग और एक बार रिवाइज करके लिख ले और फिर हम लोग बचे कुछ एक क्वेश्चन करके लॉस ऑफ प्रॉफिट में जाएंगे। डन।
लिखने का हड़बड़ी ना करें, आज इस क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन अभी हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 6, सिर्फ रीडू करें, जो दो होमवर्क दिए वो और क्वेश्चन 6 को रीडू करें। कल मैं इसके बारे में लिखा के आपको आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा। क्लियर है क्या एवरीवन? श्रुति क्वेश्चन में 33.33 जीपी कुछ नहीं है, आप किस क्वेश्चन का बोल रहे हैं श्रुति? चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा। होमवर्क बना के आना कल की क्लास में, कल की क्लास में ये वाइंड अप करके लॉस ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट करेंगे, वो और मजेदार है।